हाँ जी मैम, आप लाइव है, स्टार्ट कर दीजिए। फाइल नजर आ रही है आपकी मैम। ओके सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हमारी पहली क्लास है और ये जो क्लास है हमारी इंग्लिश ऑनर सेकंड सेमेस्टर की क्लास है, और मैं डॉक्टर दीपा गर्ग आज आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ, जैसा कि आपको पता है कि हमारे विषय का नाम है पटकथा लेखन स्वरूप और अवधारणा। सेकेंड सेमेस्टर है इंग्लिश ऑनर्स का और आज हम इसकी पहली इकाई लेंगे जिसमें कि हम पटकथा लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि मैंने ये फाइल आप लोगों को शेयर की हुई है, आप इस फाइल को जो आपके सिलेबस में लगी हुई है वो SL की साइट पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और काफ़ी मदद आपको इससे मिलेगी और सारा सिलेबस आपका इसमें है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैं भी आपको ये टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे अभी हम इस पर, आपको अगर इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, आपको किसी बात पे पूछना हो, तो आप मैसेज के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है पटकथा लेखन स्वरूप और अवधारणा। पटकथा, जैसे कि आप लोगों को पता है, पट कथा दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द है पटकथा। पट माने जिसको हम पर्दा कहते हैं और कथा माने स्टोरी, कहानी। तो यहाँ हमारा पटकथा लेखन जो जिससे संबंधित है वो है हमारा टेलीविजन या सिनेमा से संबंधित ये विषय है हमारा पटकथा लेखन। जैसा कि आप लोग के उसमें हम देखते हैं कि हम टीवी भी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, हॉल में जाते हैं, पिक्चर हॉल में जाते हैं फिल्में देखने के लिए। तो ये सब फिल्में किस प्रकार से बनाई जाती हैं, या जो हम टीवी पे नाटक वगैरह देखते हैं, जो भी सीरियल देखते हैं, वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उसे को बनाने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, या कौन कौन से स्टेप उठाए जाने पड़ते हैं, या किस प्रकार के उसमें एक एक उसका ढांचा तैयार किया जाता है कि किस प्रकार से टीवी सीरियल बनाए जाएं, या फिर कोई फिल्म बनाई जाए, या फिर कोई टेलीफिल्म बनाई जाए। जैसे कि आप टीवी में नाटक भी देखते हैं, कुछ नाटक ऐसे होते हैं कि मनोरंजन के लिए होते हैं, कुछ पौराणिक नाटक होते हैं, कुछ ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। तो उनका कैसे उनकी प्लानिंग की जाती है, कैसे उनकी शुरुआत की जाती है, या कौन व्यक्ति ऐसा है जो इन चीज़ों की शुरुआत करता है, या उसको उसको बनाने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हम टीवी पर रोजाना ही देखते हैं कि कोई सीरियल को हम देखते आ रहे हैं, काफ़ी उसमें काफ़ी एपिसोड होते हैं, या उसमें नई नई कहानियाँ आती हैं, या कोई नाटक ऐसा होता है कि उसमें लगातार एक ही कहानी एंड तक एक ही कहानी चलती है। कुछ सीरियल ऐसे होते हैं कि हर एपिसोड में या फिर एक दो एपिसोड के बाद उसमें नई नई कहानियाँ जुड़ती जाती हैं। तो ये सब कहानियाँ जो होती हैं, या वो कहानियाँ जो भी होती हैं, उनका नाटक में उनको कैसे रूपांतरित किया जाता है, कैसे उनको कहानियों को लिखा जाता है, और उन कहानियों को किस प्रकार से एक सीक्वेंस में लगाकर, या फिर उसको किस प्रकार से लोगों के सामने उसको प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि कथा, कथा को आप जानते हैं कहानी या स्टोरी कहा जाता है। एक कहानी को सुनने और सुनाने में इतना समय नहीं लगता, या फिर इतनी मेहनत नहीं लगती जितनी ही उसको दिखाने के लिए, टीवी पर दिखाने के लिए, सिनेमा पर दिखाने के लिए उसमें काफ़ी परिवर्तन किए जाते हैं, काफ़ी उसमें प्लानिंग की जाती है, उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है। क्योंकि अगर हम किसी को कहानी सुनाते हैं या कहानी हम लोग सुनते हैं, तो उसमें हम आमने सामने या फिर जैसे भी सुनाना चाहें उसको हम आराम से सुना सकते हैं। लेकिन उसी कहानी को अगर हम किसी को दिखाना चाहें पटकथा पर, यानी कि अगर हम पर्दे पर, किसी भी पर्दे पर हम उसको दिखाना चाहें, तो उसके लिए हमें काफ़ी उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, और उस प्लानिंग के अनुसार ही उसे जो सीरियल है या नाटक है या फिर फिल्म है उसको बनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि टीवी सीरियल आपको पता ही है, फिल्में आपको पता ही है, साथ में एक तीसरा वो है आपका टेलीफिल्म। उस पर भी हम चर्चा करेंगे, टेलीफिल्म का क्या होती है, वो कैसे बनाई जाती है। जैसा कि आप लोगों ने काफ़ी टेलीफिल्म भी देखी होंगी, टेलीफिल्म जिसका कि होती तो फिल्मों के समान ही है, लेकिन उसकी जो समय होता है वो जो फिल्में होती हैं उससे थोड़ा कम समय होता है, लेकिन वो फिल्मों से भी अलग होती हैं और टीवी सीरियलों से भी अलग होती हैं। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे अपने इस विषय में,
तो आज का जो हमारा विषय है पटकथा लेखन स्वरूप अवधारणा। पटकथा क्या होती है, पटकथा कैसे लिखी जाती है, पटकथा कौन लिखता है या किस लिए लिखते हैं, या जो हमारी लेखन है जो कहानी है उसका वो कहानी कहाँ से ली जाती है, या उस कहानी को किस प्रकार से लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पटकथा लेखन का उद्देश्य क्या है। जब हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो उस काम की शुरुआत करने से पहले हमारे सामने कोई ना कोई उद्देश्य होता है, किसी उद्देश्य को लेकर ही हम कोई कार्य शुरू करते हैं। तो जो पटकथा लेखन है, जो कहानी लिखने का जो प्रक्रिया है, उसको लिखने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य है, वो क्यों कहानी लिखना चाहता है, या फिर उस कहानी को लिखकर वो लोगों तक क्यों पहुंचाना चाहता है, या फिर किस प्रकार की कहानी को वो लिखना चाहता है, या आप अगर आपके सामने कोई भी आपके विषय के अनुसार या आपकी रुचि के अनुसार जो आपको पसंद हो उसके अपोजिट या उसके विपरीत कोई भी कहानी नाटक अगर आपके सामने या फिर कोई भी कहानी सामने रख दी जाए, तो नाटक जो कहानी लिखने वाला है उसकी जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। तो क्या जो हम सीरियल जो हम देखते हैं टीवी पर, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग पसंद होती है, तो क्या ये जो टीवी सीरियल लिखे हम लोग टीवी पर देखते हैं, इनको लिखने वालों को पता होती है कि भाई हम पब्लिक जो भी नाटक या सीरियल देख रहे हैं या जो फिल्में देख रहे हैं वो उनकी पसंद के हैं या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लिखने वाला है उसकी अपना पसंद है, उसके अपने विषय हैं। हम जो आम जनता है, जो हम लोग हैं, हम लोगों के अपने अलग अलग विषय हैं। तो इस चीज़ का कैसे पता चलता है एक पटकथा लेखन वाले को, लिखने वाले को, कि वो इतने सारे जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, आम जनता है, उससे उनकी विषय जो उन लोगों को विषय पसंद है उसके अनुसार वो कहानी लिखे या नाटक जो भी वो स्टोरी दिखाना चाहता है, जो सीरियल दिखाना चाहता है, वो कैसे लिखे, उसको कैसे पता चलता है कि पब्लिक किस चीज़ को पसंद कर रही है। मान लो वो अपनी पसंद से ही अगर कोई पटकथा लिखता है या फिर कोई भी सीरियल ऐसा है जो वो अपनी पसंद से लिख रहा है, पब्लिक उसको पसंद नहीं कर रही है, हम लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, और वो व्यर्थ ही अपना समय भी इसमें खराब कर रहा है, अपना पैसा भी खराब कर रहा है, हर तरीके से वो उसमें अपनी मेहनत भी लगा रहा है, तो क्या वो उसके लिखने का कोई उद्देश्य है, उसको लगेगा कि वो जिस उद्देश्य से उसको लिख रहा है या फिर वो अपने अर्निंग के लिए उसको लिख रहा है या फिर किसी लाभ के लिए उसको लिख रहा है, क्या उससे उसको लाभ प्राप्त होगा? तो ये उसको कैसे पता चलता है, जो पटकथा लेखक है उसको कैसे पता लगेगा कि आम जनता किस चीज़ को पसंद करती है, उसके विषय क्या है, कि आम जनता को किस विषय में रुचि है। तो इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। आज के विषय में हम देखेंगे कि पटकथा लेखन क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका अभिप्राय क्या है, कि जो हम जो टीवी पर जो हम सीरियल वगैरह देखते हैं, सीरियल में जो भी कहानी होती है उस कहानी को कैसे लिखा जाता है, फिर उस कहानी को किस प्रकार से एक पटकथा के रूप में लोगों तक पहुंचाई जाती है, मतलब उस कहानी को किस प्रकार से एक पर्दे पर लोगों के सामने उसको दिखाया जाता है, वो पटकथा कैसे लिखी जाती है, उस पटकथा को दिखाने के लिए किस प्रकार से एक योजना तैयार की जाती है, कि किस प्रकार से हर एक, जैसा कि आप देखते हो कि भी हम सीरियल में या टीवी पर देखते हैं कि हर प्रकार के दृश्य आप देखोगे कि जो भी सीरियल है या फिर फिल्में हैं उसमें हर प्रकार के दृश्यों को दिखाया जाता है। कोई कोई दृश्य ऐसा होता है कि खुशी के पल होते हैं, किसी में दुख के पल होते हैं, किसी में बाहर के भी दृश्य होते हैं, किसी में घर के दृश्य होते हैं, तो ये सब कैसे दिखाए जाते हैं एक जो हमारा जो हम जैसे सीरियल देखते हैं आधा एक घंटे के सीरियल होते हैं या फिर टीवी जो हम फिल्में देखते हैं ढाई तीन घंटे की फिल्म होती है, उसमें हम पूरे किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन की एक कहानी को उसमें दिखाया जाता है। तो किस प्रकार से उसकी प्लानिंग होती है, किस प्रकार से कैमरे को सेट किया जाता है, किस प्रकार कैमरे से वो सीन तैयार किए जाते हैं कि वो बाहर के घर के उस व्यक्ति के आसपास की जितनी भी घटनाएं घटी हुई हों उसको कैसे कैमरे में कैद किया जाता है। दूसरा, टीवी और सिनेमा पटकथा लेखन की क्या समानताएं हैं? अब टीवी सीरियल जैसे कि हम देखते हैं कि टीवी सीरियल कई बार ऐसे सीरियल भी होते हैं कि जो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं,
जिनके काफी एपिसोड होते हैं, कुछ कुछ तो जो सीरियल होते हैं वो कम एपिसोड में खत्म हो जाते हैं, कुछ सीरियल ऐसे होते हैं जो हजारों एपिसोड उसके बने हुए होते हैं। तो उसकी जो लेखन प्रक्रिया होती है और उसके अलावा जो हम सिनेमा देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उसकी भी जैसे कि आपको पता है कहानी लिखी जाती है, और जो कहानियाँ लिखी जाती हैं वो आम पब्लिक की रुचि के अनुसार लिखी जाती हैं। लेकिन कहानी तो फिल्म की भी कहानी होती है और टीवी पर जो हम सीरियल नाटक देखते हैं उसकी भी कहानी होती है। तो इन जो कहानियों में जो कहानियाँ लिखी जाती हैं इनमें क्या क्या समानताएँ हैं या इनमें क्या क्या अंतर हैं? क्या एक टीवी सीरियल जो एक टीवी सीरियल है जिसके काफ़ी एपिसोड हैं उसको हम एक फिल्म के रूप में 2.5-3 घंटे में देख सकते हैं? नहीं देख सकते, उसको हम 2.5-3 घंटे में नहीं देख सकते। या फिर एक सीरियल है जो जिसके कई सारे एपिसोड हैं, क्या हम उसको एक फिल्म के रूप में देख सकते हैं या फिल्म को एपिसोड के रूप में देख सकते हैं? इसमें क्या अंतर है? अगर हम ऐसा देखना चाहें तो क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? तो इसमें क्या समानताएं हैं दोनों में या क्या अंतर है दोनों की कहानियों में, उस पर भी हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हम आमतौर पर जो टीवी सीरियल होते हैं वो काफ़ी सारे एपिसोड होते हैं उसमें, और काफ़ी उसमें कहानियां भी होती हैं, अलग अलग कहानियां होती हैं। लेकिन जो हम फिल्में देखते हैं उसमें आप देखोगे कि एक ही कहानी को पूरी फिल्म में दिखाया जाता है, एक ही कोई भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी कहानी, मतलब एक ऐसा विषय जो शुरू से लेकर आखिर तक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और वो 2.5-3 घंटे में उस कहानी को कंप्लीट किया जाता है, पूरा किया जाता है। लेकिन कई बार जो टीवी सीरियल होते हैं उनमें कई बार उसके एपिसोड आगे बढ़ाने के लिए उसमें कई कहानियों को ऐसे आपस में जोड़ दिया जाता है जिससे कि उसकी सीमा बढ़ जाती है, जिससे कि उसको आगे उसके एपिसोड बढ़ जाते हैं। दूसरा, जैसे कि आप जानते हो कि अगर फिल्म में हम देखते हैं तो 2.5-3 घंटे में फिल्म ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो हम नाटक देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसमें ऐसा नहीं है। अगर लेखक चाहे तो उसको कोई भी कहानी आगे जोड़ के उसको आगे उस एपिसोड की कड़ियों को बढ़ा सकता है, लेकिन फिल्मों में ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार की कुछ असमानताएँ या समानताएँ या उनमें अंतर पर हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा, हम देखेंगे कि पटकथा लेखन प्रक्रिया में लाइन अप सीन कैसे लिखेंगे। लाइन अप सीन मतलब एक, जैसे कि आपको पता है कि जब हम कहानी कोई भी फिल्म या नाटक देखते हैं तो उसको एक सीक्वेंस में लगाकर, एक सीक्वेंस में जोड़कर उसको लोगों तक दिखाया जाता है कि कौन से सीन के पास कौन सा सीन आना है, फिर कौन सा सीन आना है या कौन सा शॉट लेना है। इस प्रकार की जो एक प्लानिंग की जाती है जिसके अनुसार वो एक लेखन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाता है। जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी आप फिल्में देखते हो या जितने भी आप नाटक सीरियल देखते हो, टीवी सीरियल जो भी देखते हैं, वो सब का आधार एक लेखक के ऊपर डिपेंड करता है कि एक लेखक उसको किस प्रकार से लिख रहा है, या लेखक जो लेखन प्रक्रिया शुरू की है जिसने, जो लिखने वाला लेखक है जो, वो किस प्रकार से उस कहानी को लिख रहा है या उसको कितना उस चीज़ का अनुभव है कि वो जो कहानी लिख रहा है क्या वो सही है, या क्या कहानी लिखनी, किसी भी चीज़ की कहानी लिखनी, सीरियल की या फिल्म की कहानी लिखनी इतनी आसान है? तो इस सब का जो ध्यान होता है वो लेखक को अच्छे से रखना होता है। दूसरा, लेखक को इतनी जानकारी होती है, उसको इतना अनुभव होना चाहिए कि वो आम जनता के विषय के अनुसार, जो आम जनता की जो रुचि है उसके अनुसार अपनी लेखन प्रक्रिया को वो शुरू करें। जैसा कि आपको पता है कि कुछ सीरियल ऐसे होते हैं या कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो अधिकतर लोगों की अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी रुचि है, उसके अनुसार उसको पसंद करते हैं। अब आप देखते हो इतने जो हमारे टीवी पर इतने सारे चैनल हैं, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति एक ही चैनल को देख रहा हो, या हमें एक ही समय पर कुछ सीरियल ऐसे होते हैं जो एक ही समय पर कई चैनलों पर कुछ सीरियल ऐसे आते हैं जिसमें लोगों की रुचि होती है, लेकिन एक समय में 2-3 सीरियल को देखना पॉसिबल नहीं है। तो उनका कैसे पता चलता है कि जो लेखक है लिखने वाला, क्योंकि जो लेखक है वो तो किसी ना किसी अभिप्राय से अपना लेखन प्रक्रिया शुरू की है उसने, या नाटक बनाने की प्रक्रिया शुरू की है,
या लोगों को नाटक दिखाने का है या फिर सिनेमा में फिल्में दिखाने का कुछ ना कुछ उसका अपना अभिप्राय है, क्योंकि उसको भी किसी ये भी उसकी कमाई का साधन है, वो भी अपने किसी कमाई के लिए ही वो अपना ये समय और पैसा उसमें लगा रहा है। तो अगर उसका ये सब समय पैसा और ये सब जो कहानी लिखने की जो प्रक्रिया है, जो उसने अपना इतना समय इसको लिखने में दे रहा है, और सपोज उसको आम जनता पसंद नहीं करती है तो ये उसके लिए व्यर्थ है। तो जिस प्रकार ये कहानी लेखक है उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है जानने के लिए कि कौन सी लोगों की किस विषय में ज़्यादा रुचि है। अब उस रुचि का कैसे पता लगाया जाता है ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि एक जो व्यक्ति आम जनता से मिलता जुलता नहीं है या फिर आम जनता से कभी पूछ के अपनी कहानियाँ नहीं लिखता, अगर वो ऐसी आम जनता के पास जाके पूछेगा, हर किसी की रुचि को पूछेगा, तो शायद ही कोई कहानी को लिख पाएगा। लेकिन फिर भी लेखक को पता होती है कि आम जनता की रुचि किस में है या आम जनता किस विषय को ज़्यादा पसंद कर रही है। इसके लिए जो लेखक जो फिल्म निर्माता होते हैं जो या फिर जो एक जो टीवी पर प्रसारित करने वाली जो प्रक्रिया है उसमें एक प्रकार का डिवाइस होता है, जिस डिवाइस के आधार पर आम जनता के विषय को समझा जा सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कौन सी प्रक्रिया है जिससे कि आम जनता की रुचि को जो लेखक है या जो निर्माता है वो कैसे पता लगा लेते हैं, अपने एक स्टूडियो में बैठ के कैसे पता लगा लेते हैं कि आम जनता किसको ज़्यादा पसंद कर रही है। क्योंकि आम जनता जिसको ज़्यादा पसंद करेगी उसी पर ही ज़्यादा से ज़्यादा टीवी सीरियल या फिर कहानियाँ या फिर फिल्में ज़्यादा दिखाई जाती हैं या बनती हैं, क्योंकि ये आम जनता पर डिपेंड करता है। आम जनता जिसको पसंद करती है उसी से ही जो लेखक है जो निर्माता है उसको अधिक उसको मुनाफा होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने का ही मकसद लेखक को या निर्माता को होता है, या जो सीरियल बनाने वाले जो भी लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो इन चीज़ों की शुरुआत करते हैं या लेखन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, या उनका जो मकसद होता है वो मुनाफे को देखकर किया जाता है। तो इस प्रकार किस विषय को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, किस चीज़ से के ज़्यादा लेखन जिस प्रकार की जो कहानियाँ हैं किस प्रकार की कहानियाँ लिखनी चाहिए, इस सब का भी पता वो अपने वहीं पे बैठे बैठे अपने किसी डिवाइस से पता लगा लेते हैं। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि जो एक पटकथा लिखी जाती है, जैसा कि आप जानते हो किसी भी अगर आप कोई कहानी भी अगर लिखना चाहे, हम पटकथा की जगह कोई कथा भी लिखना चाहे, कोई कहानी भी लिखनी चाहे, तो पहले हमें उसके लिए एक शुरुआत करने के लिए हमें उसकी एक विषय को चुनना पड़ता है। कोई भी एक विषय जिसको हम चाहे वो हमारी पसंद का हो, सबसे पहले तो हमें जो भी विषय हमें चुनना पड़ेगा वो हमें खुद को देखना पड़ता है, लेखक को देखना पड़ेगा कि वो उस विषय को कितना करीब से जानता है या फिर उसके बारे में कितना अच्छा लिख सकता है, कितना अच्छा उस पर लिख कर आम जनता को उसको दिखा सकता है, या फिर जो कहानी वो लिख रहा है उसको किस प्रकार से बनाया जाए कि वो आम जनता उसको ज़्यादा देखने के लिए उत्साहित हो, उसमें आम जनता का जो जो पसंद करने आम जनता किस रूप में उसको पसंद करेगी, उस रूप में उसको कैसे सिनेमा पर पटकथा पर दिखाया जाए, मतलब पर्दे पर दिखाई जाए। दूसरा हम देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी कहानी हम सीरियल देखते हैं या जो भी फिल्में देखते हैं उसका मुख्य आधार जो होता है वो पटकथा लेखन होता है। पटकथा मतलब टीवी पर दिखाई जाने वाली जो भी सीरियल है जो भी फिल्म है उसको सबसे पहले शुरुआत की जाती है लिखने से। लिखने से हर एक चीज़ की शुरुआत होती है, वो चाहे किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, कोई सा भी हो, कैसा भी हो, उसको सबसे पहले लिखने की प्रक्रिया से उसकी शुरुआत की जाती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे कि ये तो हमारी बात हुई टीवी सीरियल या फिल्मों की बात हुई कि उसके लिए हमें लिखने का जो मुख्य आधार है, जो प्रमुख विषय है, जो एक फर्स्ट स्टेप जिसको हम कह सकते हैं, वो हमारा कहलाता है लेखन की प्रक्रिया। क्योंकि बिना लिखे हुए किसी भी कहानी को हम ना तो उसे टीवी सीरियल में उसको
दिखा सकते हैं ना फिर किसी सिनेमा पर फिल्म के रूप में दिखा सकते हैं, क्योंकि ये पहले से एक प्लानिंग की जाती है, उस प्लानिंग के आधार पर ही एक लिखने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाता है और उसका एक रूप आकार बनाया जाता है। जैसे कि हम किसी किसी भी चीज़ की हम बनाना चाहें या किसी चीज़ की शुरुआत करनी चाहे तो हम उसको पहले अपने माइंड में उसका एक रूपरेखा तैयार करते हैं, उसकी एक सिनॉप्सिस तैयार करते हैं कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए और इस कार्य इस चीज़ को बनाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता है, उन चीज़ों को कहाँ कहाँ से लाना है, उन चीज़ों को कैसे एकत्र करना है, फिर उनको किस प्रकार से इस एक दूसरे के साथ जोड़ना है कि वो एक के बाद जो भी स्टेप उसमें लगाए जाएं क्या वो सही प्रकार से लगा हुए हैं या नहीं लगा हुए हैं, या उनको किस प्रकार से लगाया जाए कि वो दिखने में अटपटे से ना लगे। दूसरा ये कि हमारी फिल्म और नाटक के बाद दूसरा हम देखते हैं कि हम गाने भी देखते हैं, सुनते हैं टीवी पर, नृत्य भी देखते हैं, डांस भी देखते हैं, लेकिन क्या ये बिना किसी लेखन के शुरू इनके गानों को सुना जा सकता है या फिर नृत्य को देखा जा सकता है? ऐसा नहीं है, इनके लिए भी गानों के लिए भी और नृत्य की जो भी डांस वगैरह जो भी हो उसके लिए भी एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। स्क्रिप्ट मतलब एक लेखन प्रक्रिया इनके लिए भी लिखी जाती है, क्योंकि अगर कोई भी गीत हम या गाना सॉन्ग हम कोई भी सुनते हैं तो वो भी मान लीजिए हम कोई फिल्म देख रहे हो, उस फिल्म में बीच में कोई गाना आता है तो उस गाने को भी हम उस सीन के अनुसार ही देखते हैं। मान लीजिए कोई सीन ऐसा चल रहा है कि कोई भी खुशी का सीन है या फिर कोई दुख का कोई भी ऐसा सैड सिचुएशन है तो उस प्रकार से कौन सा गाना उसमें फिट बैठता है या फिर कौन सा गाने को वहाँ पे सही बैठाना चाहिए या किस प्रकार का गाना वहाँ पे होना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा स्थिति है कि जहाँ पर कोई किसी डांस का उसमें हम सीन कर सकते हैं देख सकते हैं या नृत्य का कोई उसमें सीन है वो देख सकते हैं या कोई गाना उसमें सेट करना, तो ये सब पहले से ही उस कहानी के अनुसार गानों की भी या नृत्य की जो भी एक उस समय दिखाने की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको उस प्रकार से उसमें फिट करना पड़ता है। इसी के आधार पर इसके जो स्क्रिप्ट जो हम लिखने के लेखन की जो प्रक्रिया होती है जिसको इसमें स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, जैसे कि आपको पता है एक लेखक जो टीवी सीरियल लिखता है या फिर फिल्में लिखता है उसको स्क्रिप्ट कहते हैं, जो पटकथा लेखन में जैसे कि हम कहानी कहते हैं या लेखन प्रक्रिया कहते हैं उसको स्क्रिप्ट कहा जाता है। उसी स्क्रिप्ट के आधार पर सारी कहानी या फिर जो फिल्म बनती है उसी आधार पर उसकी शुरुआत की जाती है, उसी स्क्रिप्ट के आधार पर उसकी शुरुआत की जाती है और उसी को सिक्वेंस के आधार पर एक स्टेप बाय स्टेप उसको जोड़कर उसको नाटक या फिल्म बनाई जाती है। तो कुल मिलाकर हमारी जो पटकथा लिखने की जो प्रक्रिया या पटकथा दिखाने की जो पटकथा है, जैसे कि आपको पता है पटकथा एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम देख भी सकते हैं और हम सुन भी सकते हैं। इसका एक दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यही है कि पटकथा जैसे कि पट और कथा दो शब्दों से बनी हुई है। कथा जिसको हम खाली अपने कानों से सुन सकते हैं, सामने वाला कोई भी कहानी सुना रहा हो उसको हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन पटकथा का दूसरा महत्वपूर्ण इसका जो बेनिफिट है जो भी इसका एक लाभ यही है कि पटकथा में हम इसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, मतलब ये दृश्य श्रव्य भी है और दृश्य भी है, दोनों प्रकार के माध्यम से हम पटकथा लेखन को हम देख और सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरा इसका जो हमारा उद्देश्य है जिसमें हम इस विषय में जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ आपकी जो विषय के अनुसार आपकी जो बुक लगी हुई उसमें हमारा जो पहला विषय है पहली इकाई है उसमें हमने जो पटकथा लेखन का जो अर्थ है, जो पर्दे के लिए जो कहानी लिखी जाती है उसका क्या अर्थ है या उसका क्या स्वरूप है, उसको हम कैसे स्वरूप, क्योंकि हम अगर किसी चीज़ का रूप प्रदान करना चाहें, मान लीजिए उदाहरण के लिए आप अगर किसी मूर्ति को भी आप किसी मतलब मिट्टी के को अगर आप किसी का रूप देना चाहें तो उसके लिए हमें एक स्वरूप बनाना पड़ता है जिससे कि उसको एक आकार रंग रूप दिया जाता है। मान लीजिए आप कोई मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, उस मूर्ति को अगर
पहले अपने दिमाग में हमें सोचनी पड़ती है कि भी हमें इसका क्या, कौन सी मूर्ति बनानी है, कैसी बनानी है, उसी आधार पर हम उसकी रचना शुरू करते हैं। चाहे कोई पशु पक्षी है या जानवर है या कोई इंसान है या कोई भगवान की मूर्ति है, उसको हम उसी से अपने दिमाग में उसकी एक योजना तैयार करते हैं। फिर उसको उसी आकार में हम उसको, जैसे हम मिट्टी के को हम कोई रूप देते हैं और रूप देकर उसमें हम कलर भरते हैं, उसी प्रकार से हमारे जो पटकथा लेखन है, जो हमारा जो कोई नाटक है, सीरियल है, फिल्म है, उसके अभी यही आधार है कि हमें पहले उसको अपने दिमाग में उसकी एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, उसके बाद उसकी कहानी लिखनी पड़ती है और उसका एक ढांचा तैयार किया जाता है कि उसको किस प्रकार से लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाए। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे कि उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए या फिर पटकथा लेखन का क्या अर्थ है। दूसरा, इसमें पद्धतियों के आधार पर अवधारणा को समझेंगे कि इसकी जो पद्धति है, इसके जो जो स्टेप हैं एक पटकथा लेखन की, उसको कौन कौन से स्टेप के गुजरना पड़ता है, कौन कौन से तरीकों से उसको गुजरना पड़ता है, तब जाके वो एक पटकथा का रूप धारण करती है। दूसरा, पटकथा, अब पटकथा खाली लिखने से ही पटकथा का काम खत्म हो जाता है या उसमें आगे किसी और चीज का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहानी जिसको हम आराम से कहीं पे भी बैठ के सुन सकते हैं, लेकिन पटकथा के लिए हमें टीवी के आगे बैठना पड़ेगा या सिनेमा हॉल में जाना पड़ेगा। तो इसके दिखाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है वो है कैमरा, तभी तो हम पट मतलब पर्दे पे हम उस चीज को देख सकेंगे। उसके लिए चीज को दिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है आपका कैमरे का, क्योंकि जब तक कैमरा नहीं होगा तब तक पटकथा नहीं बनेगी, मतलब पर्दे पे दिखाने लायक वो कहानी नहीं बनेगी। वो खाली एक कहानी के रूप में हम उसको सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो कैमरा निभाता है। अब कैमरा भी खाली कैमरे से ही काम चल जाता है या फिर कैमरे के भी आगे कुछ अपना उसके महत्वपूर्ण योगदान है, या फिर वो किस प्रकार से कार्य करता है कैमरा, या उसमें कितने कैमरे होने चाहिए, क्या आप एक ही जगह खड़े हो के क्या जो अलग अलग सीन आप देखते हो सीरियल्स में या फिल्मों में, जो अलग अलग सीन हम देखते हैं, क्या वो उस कैमरे को एक ही जगह रख कर क्या सारी फिल्म को बनाया जा सकता है, या उस एक ही कैमरे को एक ही पोजीशन पर रख कर क्या पूरे नाटक का योजना बनाई जा सकती है, या फिर उसको पूरा नाटक हम एक ही जगह पर फिट किए गए कैमरे से पूरा नाटक बन सकता है। तो इसी की हम बात करेंगे आगे, इस पर चर्चा करेंगे क्या पटकथा के लिए कैमरे का होना जरूरी है या नहीं जरूरी, या फिर कैमरा होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, या कैमरे से एक ही कैमरे से, जैसे कि आप इतने अलग अलग हम लोग सीन देखते हैं, जैसे कि हम पास के भी सीन देखते हैं, दूर के भी क्लोजअप सीन देखते हैं, दूर के सीन देखते हैं, कई बार हम घर के अंदर के सीन देखते हैं, बाहर के देखते हैं, क्योंकि एक लाइन से ये सब लगे हुए होते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप सारे सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये कैसे कैमरा किस प्रकार से एक दूसरे को जोड़ा रहता है या किस प्रकार से उन सीनों को बनाया जाता है या कैमरे की उसमें कितनी भूमिका है, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हमारा आता है धारावाहिक और फिल्म की उपयोगिता को जानने में मदद मिलेगी। धारावाहिक और टेलीफिल्म, जैसा कि आपको पता है धारावाहिक जो हम सीरियल्स देखते हैं और टेलीफिल्म जो एक शॉर्ट स्टोरी होती है, जिस प्रकार से एक फिल्म होती है 2.5-3 घंटे की, उसी प्रकार से ही टेलीफिल्म होती है जिनका समय थोड़ा कम होता है, और जो टीवी सीरियल होते हैं उनका, जैसे कि आपको पता है कोई कोई सीरियल आपका 1 घंटे का होता है, कोई 1/2 घंटे का होता है, इसी प्रकार से जो टेलीफिल्म होती है वो भी 1.5 या 2 घंटे की होती है। लेकिन क्या ये दोनों एक हैं या दोनों में कुछ अंतर है? क्या जो धारावाहिक है उनको हम टेलीफिल्म कह सकते हैं या टेलीफिल्म जो है उनको हम धारावाहिक कह सकते हैं? समय की तो दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इनमें क्या समानता है और क्या अंतर है टेलीफिल्म और धारावाहिक में, उस पर भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके अलावा हमारा था पटकथा लेखन की प्रक्रिया, जो भी एक प्रक्रिया है, जो एक पूरी की पूरी इसमें पटकथा लिखने की जो तरीका है, जो एक प्रक्रिया है, उस पर हम इस इकाई में बात करेंगे और इसको हम
इसमें आप पढ़कर हम इसमें मदद लेंगे कि किस प्रकार से लेखन प्रक्रिया है और कैसे शुरू की जाती है और उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ सामने आती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी कहानी की शुरुआत या किसी नाटक की, सीरियल की या पिक्चर फिल्म की भी शुरुआत करने से पहले एक हम जो भी हम काम करते हैं, जैसा कि हम सबकी आदत है, हम जैसे भी कोई भी काम करते हैं या हमें कहीं बाहर जाना हो या घर में या हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए हमें एक उसकी एक योजना तैयार करनी पड़ती है। मान लीजिए हम कोई कहानी भी लिखना चाहते हैं, घर में बैठे बैठे हम कोई भी कहानी लिखना चाहें या कविता लिखना चाहें तो उसका भी हमें विषय पहले चुनना पड़ता है। उसको पहले हमें ये नहीं कि जब मर्जी मतलब दिमाग में आया कि भाई मुझे कहानी लिखनी है, मुझे कविता लिखनी है, उसको हम लिखना शुरू कर दें। इससे पहले हमें दिमाग ने एक दिमाग में एक विषय को चुनना पड़ता है, पहले हमें उसको एक आइडिया लेना पड़ता है, उस पर हमें काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, शोध करने पड़ते हैं कि हमें कि किस प्रकार की कोई भी कहानी या कविता लिखें या फिर कोई भी स्टोरी लिखें उसको हमें पहले अपने दिमाग में बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि खाली लिखने से ही, शुरुआत करने से ही वो कहानी जो स्टोरी है वो पूरी नहीं होती, उसको आगे उसमें कौन कौन से स्टेप लेने हैं या किस किस को उसमें क्या क्या उसमें दिखाना है, कौन से दृश्य दिखाने हैं, कितने पात्रों को रखना है या कितने पात्र उसमें महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रहे हैं या कौन सा प्रमुख पात्र है, उसको हमें अपने विचार में पहले उस पर विचार करना पड़ता है। दूसरा इसमें हम ये भी देखते हैं कि जब मान लीजिए आपको कोई, ये तो बात हुई अपने पर कि मुझे कोई कहानी लिखनी है तो मुझे उसका विषय अपने विषय के अनुसार या अपनी रुचि के अनुसार हम उसको देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि मान लीजिए कोई भी लेखक है, कोई भी लेखक है और उसको उसका जो फिल्म निर्माता है या फिर जो सीरियल धारावाहिक जो निर्माता है वो अपने विषय के अनुसार, मान लीजिए आपको कोई आप अपनी तरफ से कोई विषय चुन सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि भी मुझे कोई सीरियल बनाना है या मुझे कोई फिल्म बनानी है और मुझे उसको इस विषय पर बनाना है, विषय निर्माता खुद अपना मतलब खुद दूसरे को दे देता है लेखक को, लेखक उस विषय के अनुसार उस पर छानबीन करता है, उसकी जो जो भी सामग्री होती है उसको वो इकट्ठा करता है, उसके ऊपर खोज करता है कि किस प्रकार से इस विषय पर एक कहानी या नाटक या फिर फिल्म बनाई जा सकती है। तो इसमें दो बातों पर लेखक को लेखक अपने विचार अपनी कहानी लिख सकता है, एक तो अपने खुद के विषय की रुचि के अनुसार और दूसरा जो निर्माता जो भी फिल्म या सीरियल बनाना चाहता है उसकी रुचि के अनुसार उस विषय पर कहानी लिख सकता है, पटकथा की कहानी लिख सकता है। दूसरा ये हो गए आपके विषय के अनुसार जो लेखक अपने आइडिया से और दूसरा निर्माता के रुचि के अनुसार कहानी लिख सकता है। उसके बाद उसी बिंदु को कार्यक्रम के लक्ष्य, स्वर, अवधि आदि के अनुसार विस्तारित किया जाता है। अब जब कोई भी लेखक कोई भी कहानी लिखता है टीवी की, टीवी सीरियल की या फिर सिनेमा की, अब उसको एक किस प्रकार से एक समय के अनुसार, जैसा कि आपको पता है एक फिल्म होती है वो 2.5-3 घंटे की होती है, एक नाटक होता है वो आधे या 1 घंटे का होता है, कोई कोई नाटक ऐसे होते हैं कि वो हफ्ते में 4 दिन दिखाए जाते हैं, कोई 5 दिन दिखाए जा रहे हैं, कोई 6 दिन दिखाए जाते हैं और कोई 7 के 7 दिन दिखाए जाते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई भी नाटक होता है वो ज़्यादा पूरे हफ्ते में दिखाया जा रहा है और उसके काफ़ी एपिसोड हैं तो उसकी कहानी भी उसी के अनुसार लिखी जाती है, उसकी कहानी को भी उसकी अनुसार लिखा जाता है क्योंकि उसके काफ़ी एपिसोड होते हैं। दूसरा जो हम फिल्में देखते हैं वो 2.5-3 घंटे की फिल्म होती है तो उसकी कहानी उसी के अनुसार लिखी जाती है कि वो कहानी 2.5-3 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए। उसी प्रकार से उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है और उसी रूपरेखा के अनुसार उस कहानी को कहानी की शुरुआत की जाती है और उसी 2.5-3 घंटे के अंदर अंदर उस कहानी का अंत भी किया जाता है। तो ये लेखक के ऊपर आधारित होता है कि वो किस प्रकार से उस कहानी को एक योजनाबद्ध रूप में उसको इकट्ठा करता है और उसको किस प्रकार उस कहानी को आकर्षित रूप में या लोगों को मतलब
जैसे कि आपको भी मैंने बताया कि कुछ सीरियल ऐसे होते हैं जो हफ्ते में 7 दिन भी दिखाए जाते हैं, कुछ सीरियल ऐसे होते हैं जो 3 दिन दिखा रहे हैं, 4 दिन दिखा रहे हैं, 5 दिन दिखा रहे हैं, और जो जो फिल्म होती है उसका एक टाइम निर्धारित है कि 2.5 या 3 घंटे में निर्धारित की जाती है। तो क्या कुछ ऐसी जरूरी घटना है या कुछ जरूरी बातें जो फिल्मों में काटती जाए जिससे कि उसके उसको 2.5-3 घंटे में पूरा कर दिया जाए? क्या इस प्रकार की जो फिल्म होंगी या फिर इस प्रकार की जो कहानी होगी वो लोगों को पसंद आएगी? इस प्रकार की कहानी लोगों को पसंद नहीं आएगी या फिल्म पसंद नहीं आएगी? अब उसको किस प्रकार से, मान लीजिए जैसे कि अभी जैसे आपको बताया मैंने कि वही लेखक के अपने आईडी के अनुसार या फिर निर्माता के विषय के अनुसार उसको कहानी लिखी लिखनी पड़ती है। अब उस कहानी का कुछ ना कुछ मुख्य आधार होता है या कोई भी मुख्य भाव होता है या फिर कोई भी कहानी होती है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो ये कहानी है वो किसी पर भी आधारित हो सकती है। मान लीजिए लेखक का अपना आइडिया या फिर निर्माता का दिया हुआ कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय, तो उसमें जो पटकथा की जो कहा जो हम जो भी लेखक के लेखककार लेखक होता है जो उसको कोई भी विषय पर कहानी लिख सकता है। जैसे कि पटकथा किसी उपन्यास पर भी आधारित हो सकती है। मान लीजिए हम कोई कितने सीरियल ऐसे होते हैं कि वो उपन्यासों पर आधारित होते हैं, मतलब उनके पर पहले से उपन्यास लिखे हुए हैं और उन उपन्यासों को वो एक टीवी सीरियल के द्वारा लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। दूसरा वो कोई कहानी भी हो सकती है, वो कोई नाटक भी हो सकता है, वो कोई निबंध भी हो सकते हैं, या फिर वो किसी के द्वारा लिखा हुआ कोई लेख भी हो सकता है, या फिर किसी घटना पर भी कोई फिल्म बनाई जा सकती है। बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जो किसी घटना पर आधारित होती हैं, कोई लोक गाथा के ऊपर आधारित होती हैं, कोई हमारे जो पुराण जो पुरानी गाथाएं उसके ऊपर आधारित होती हैं, कुछ ऐतिहासिक जो हमारा इतिहास बीत चुका है उस पर भी कहानियाँ हो सकती है। जैसे कि आप कितनी कहानियाँ देखते हो, जैसे अभी पीछे आपने पद्मावत एक कहानी जो एक फिल्म आई थी उसमें आप देखोगे उसकी जो कहानी थी वो रानी पद्मावती के ऊपर आधारित कहानी थी। तो ये कुछ कहानियाँ ऐसी हैं, कुछ स्टोरी ऐसी हैं जो हमारे इतिहास से भी ली गई हैं, कुछ घटनाएं ऐसी घटनाएं जैसे कि हमारे आपने देखा होगा कि पीछे एक मूवी आई थी लगान, जो हमारी जैसे कि आपको पता है कि जब अंग्रेजों का शासन था यहाँ पर तो किस प्रकार लोगों पर लगान लगाया जाता था और उसको कैसे वसूल किया जाता था, आपने इस कहानी में अच्छे से देखा होगा। कुछ उपन्यास ऐसे ऐसे उपन्यास हैं जिन पर नाटक भी बनाए गए हैं और आज की नहीं पहले भी काफ़ी पुरानी ये प्रक्रिया जो परम्परा है काफ़ी पुरानी चलती आ रही है कि कोई भी ऐसे नाटक पर पूरे सीरियल बनाया जाता है जो उपन्यास पर आधारित होता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो घटनाओं पर जो पुरानी ऐतिहासिक घटना बीत चुकी है कोई भी ऐसी घटनाएं जिनको लोगों तक पहुंचाकर उनको जानकारी दी जाती है, इस प्रकार की भी कहानियों पर पटकथा लिखी जाती है। लेकिन ये जो अभी आपको बताया जो उपन्यास पर आधारित है या कहानी पर आधारित है या फिर कोई लोक गाथा है, पुराण है, इतिहास है, अब ये जो कहानियाँ लिखी जाती हैं, जो भी पटकथा लिखी जाती हैं, जो किसी लेखक द्वारा लिखी जाती हैं, अब जैसे कि आपको पता है कि जो भी सीरियल टीवी सीरियल होते हैं वो लोगों की रुचि के अनुसार, आम जनता की रुचि के अनुसार उसको घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। मान लीजिए कोई सीरियल ऐसा चल रहा है जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और उसको स्टोरी ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये एक स्टोरी है जिसको लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया जाता है, दिखाया जाता है, तो उस स्टोरी में या जो धारावाहिक हम देखते हैं जो काफ़ी कड़ियों में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जो लोगों को ज़्यादा पसंद आने लग जाते हैं, तो उसको कुछ ऐसी कहानियों के माध्यम से जोड़ दिया जाता है जो लोगों तक पहुंचते रहे और लोग उससे मनोरंजन प्राप्त करते रहे। कुछ टीवी सीरियल या कुछ सीरियल ऐसे होते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आते, तो उसमें भी जो लेखक होता है वो क्योंकि सबसे बड़ा जो कार्य होता है लेखक का वो दिखाने का जो भी मोटिव होता है वो यही होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने का। अगर उसे मुनाफा ही नहीं होगा तो वो आगे इसमें अपना समय और पूंजी को व्यर्थ ही लगाना पड़ेगा और उसको उसमें मुनाफा नहीं होगा।
तो कई बार क्या होता है, अगर कोई टीवी सीरियल नहीं चल रहा है तो उसको भी लेखक उसकी कड़ियों को कम भी कर सकता है, क्योंकि उसको उससे कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। और अगर उसको किसी चीज में मुनाफा हो रहा है तो वो उसमें उसकी कड़ियों को और आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जो लेखक होता है उनको कुछ बातों पर काफ़ी ध्यान रखना होता है, अपनी जो कहानियाँ जो लिखता है लेखक उसको कुछ बातों पर भी ध्यान देना होता है, क्योंकि कुछ जो कहानियाँ होती हैं जो लेखक अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कहानियाँ लिखता है उसको वो अपने अनुसार घटा बढ़ा सकता है, उसमें पात्रों की संख्या को घटा बढ़ा सकता है, उसमें घटनाओं को भी इधर उधर से वो जोड़ सकता है घटा बढ़ा सकता है। लेकिन कुछ प्रख्यात कथानकों पर आधारित पटकथाओं में, प्रख्यात मतलब जो एक प्रचलित कहानियाँ होती हैं उस पर अगर पटकथा लिखने को कह दिया जाए तो उसमें जो लेखक होता है वो उसमें अपनी मर्जी से उसमें कुछ भी फेर बदल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी पुरानी कहानी को ले लो, पुरानी कहानी को ले लो, मान लीजिए आप रामायण को ले लें या महाभारत को ले लेते हैं या फिर किसी और कहानी को ले लेते हैं जो लोगों में काफ़ी प्रचलित है, तो इस प्रकार की जो स्टोरी है जो कहानी है उसमें लेखक कुछ भी फेर बदल नहीं कर सकता, उसको उसमें वो पात्रों को भी घटा बढ़ा नहीं सकता। अगर रामायण में श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमान और जो भी उसके पात्र हैं इनके अलावा अगर वो किसी और पात्र को लेता है, और क्योंकि ये कहानियाँ ऐसी हैं कि घर घर में सबको पता है या फिर स्टोरी में आम लोगों को जानकारी है इसमें, तो जो जो प्रमुख पात्र हैं उनके अलावा अगर वो उसमें कोई फेरबदल करता है लेखक या उसमें कुछ घटनाएं ऐसी जोड़ देता है तो वो उसमें लोगों के जो रुचि होगी वो मतलब तो उसमें एक उसके आधार पर वो ठीक नहीं बैठेंगी, उसे जो प्रख्यात कहानी है वो उसमें ठीक नहीं बैठेंगी और वो एक मंद घड़ंत कहानी के रूप में देखी जा सकती है। मतलब उसमें एक ही होता है कि लेखक ने अपने मन के अनुसार अपनी रुचि के अनुसार उसमें किसी घटना को या किसी पात्र को उसमें फिट कर दिया है, तो वो एक सही मायने में वो एक कहानी भी लोगों को पसंद नहीं आएगी और उसको जो एक मकसद है लेखक का वो भी व्यर्थ ही जाएगा। तो इसलिए जो कहानी लिखने वाला होता है लेखक होता है वो प्रख्यात फेमस जो कहानी है उन पर वो उसको ध्यान देना होता है कि उसमें कोई भी फेरबदल ना करके जैसी उसका एक मूल रूप है उसी को उसी रूप में दिखाए, उसी रूप में दिखाए और उस कहानी से वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें अगर कुछ फेरबदल करता है तो वो उसमें अटपटा सा लगने लगेगा और लोगों में उसमें देखने की जो एक रुचि है वो भी कम हो जाएगी और उसमें जो लेखक का जो मकसद है वो भी पूरा नहीं होगा। तो ऐसी कहानियों में जो घटनाक्रम होता है, जो पात्र होता है और जो उनके विचार होते हैं वो वैसे के वैसे ही मूल रूप में उनको दिखाना पड़ता है, उसमें वो लेखक अपनी मर्जी से कुछ घटा बढ़ा नहीं कर सकता। मुख्य भाव के पश्चात, मुख्य भाव मतलब जो एक प्रमुख जो भाव है उसको स्क्रीन पर दिखाना भी पड़ता है। मान लीजिए आप लेखक ने कोई कहानी लिखी है, उस कहानी में किस प्रकार से जो व्यक्ति आपस में बात कर रहा है या फिर किस कौन सा विषय उस समय चल रहा है, उस समय मान लीजिए कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें कैमरे की जो भूमिका बताई गई है वो महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पर्दे पर दिखाने के लिए कैमरा बहुत ही जरूरी है। और जब आप टीवी सीरियल में आप देखते हैं कि जब एक कहानी है, मान लीजिए आप किसी से अगर आमने सामने ना होकर के एक दूसरे के, मान लीजिए हम फोन पर भी बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम खाली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं लेकिन उसमें हम एक दूसरे के भाव नहीं देख पाते। जो हम एक वीडियो कॉलिंग में एक दूसरे के भाव देख सकते हैं या हम एक वीडियो कॉलिंग में हम सामने वाले के भाव देख सकते हैं, मान लीजिए आपसे कोई फोन पर बात कर रहा है और वो अंदर से उसके चेहरे के भाव कुछ अलग है और वो बोल कुछ और रहा है, उसको कहना कुछ और चाह रहा है, तो वो हम नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कैमरे की पटकथा की, अगर हम कोई भी कहानी को सुन रहे हैं तो
तो हमें उस कहानी के जो पात्र हैं उनके भावों को हम नहीं देख सकते। उसको हम कैसे देख सकते हैं? कैमरे के माध्यम से, जैसा कि मोबाइल में कैमरे के माध्यम से हम वीडियो कॉलिंग में एक दूसरे के भाव देख सकते हैं। उसमें हम देख सकते हैं कि सामने वाला जो कह रहा है क्या वो सही कह रहा है, क्या उसका जो कहना चाह रहा है क्या उसके वो अपने मन से सही मायने में उसके भाव भी ऐसे हैं, या वो उसका अंदर से वो कुछ और बाहर से कुछ और कहना चाह रहा है। मान लीजिए हम आमने सामने बात करते हैं और जैसे कि हमारे भाव होते हैं, हम एक दूसरे के चेहरे को देख के पहचान लेते हैं कि सामने वाला गुस्से में है या प्यार से कुछ कह रहा है, या फिर इस चीज़ को हम बिना कैमरे के नहीं देख सकते। तो कहानी में जो पटकथा की जो कहानी है उसमें मुख्य भाव होता है कि जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसको किस प्रकार से उसके कैमरे के माध्यम से एक दूसरे के साथ उसको जोड़ा जाए। दूसरा, भाव के विस्तार क्रम में कथानक के विकास क्रम को तय करते हुए देखना पड़ता है। भाव का जो जो कहने का जो भाव होता है, जो पात्र का जो भाव होता है, उसको एक क्रम के अनुसार उसको लोगों तक दिखाया जाता है और उसको एक सही मायने में जो पात्र होता है उसको उसी रूप में उस सीन को दर्शाया जाता है और उसको उसी सांचे में ढाला जाता है। मान लीजिए कोई कुछ ऐसे प्रश्न है कि मतलब कुछ ऐसी स्थिति है जहाँ पर अलग अलग स्थिति है, कोई खुशी की है, कोई दुखी की है, कोई मनोरंजन की है, तो उसी प्रकार से उस पात्र को अपने आप को ढालना होता है, उस स्क्रिप्ट के अनुसार, उस कहानी के अनुसार उसको ढाला जाता है और उसको कैमरे में रिकॉर्ड किया जाता है, कैमरे में उसको करके फिर उसको एक स्टेप बाय स्टेप कहानी के अनुसार, स्क्रिप्ट के अनुसार उसको टीवी पर दिखाया जाता है। दूसरा, फ्रेम का तात्पर्य टीवी के पर्दे पर प्रसारित होने वाली दृश्यावली आदि की सीमाएं। फ्रेमवर्क, इसमें जो कथानक का जो फ्रेमवर्क भी कहा जाता है, वो एक टीवी पर जो लेखन की प्रक्रिया है, फ्रेमवर्क मतलब उसको एक समय निर्धारित किया जाता है। मान लीजिए कोई भी नाटक है उसको एक घंटे का दिखाना है या आधे घंटे का दिखाना, उसी उसके अनुसार ही उसका एक समय निर्धारित किया जाता है, फ्रेमवर्क किया जाता है कि इतने घंटे में इसको दिखाना है, इतने घंटे का मतलब आधे घंटे का अगर नाटक है या एक घंटे का नाटक है या दो घंटे की फिल्म है, ढाई घंटे की फिल्म है, उसको उसी प्रकार से उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, उसको उसी प्रकार से सांचे में ढाला जाता है, उसी प्रकार से उसकी स्क्रिप्ट को सीनबद्ध किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, तब जाके वो पर्दे पर दिखाया जाता है, क्योंकि उसकी एक सीमा निर्धारित की जाती है, उसी सीमा के अंदर उसको दिखाना पड़ता है और उसी के आधार पर उसको एक सीक्वेंस में लगाना पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि अगर दो घंटे की फिल्म, अगर एक कोई फिल्म है तो मतलब ढाई तीन घंटे की कोई फिल्म है तो उसमें अगर किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति विशेष पर कोई फिल्म आधारित की गई है, मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ कथानक कहानियाँ हैं, कुछ पुरानी कहानियाँ, पौराणिक कहानियाँ हैं जो कितने सालों तक चलने वाली कहानियाँ हैं, जो किसी प्रमुख व्यक्ति पर आधारित है या किसी घटना पर आधारित है और उसको एक फिल्म के रूप में दिखाया जा रहा है, तो उसको इतनी बड़ी घटना को, इतने समय के से चल रही उस घटना को जिसमें कई साल तक वो कहानी चली है या फिर कोई भी व्यक्ति विशेष की कहानी चली है, उसको ढाई तीन घंटे के अंदर उस कहानी को शॉर्ट करके एक रचनाबद्ध तरीके से उसको बनाकर, उसको एक स्टेप बाय स्टेप बनाकर उसको एक ढाई तीन घंटे की फिल्म में उसको दिखाया जाता है। मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता है, अब किसी व्यक्ति को अगर आप खुद ही कहानी लिखने लग जाओ और आपको कहा जाए कि कोई भी कहानी लिखो, किसी भी मान लीजिए आपको कोई कहता है कि भाई आप रामायण या महाभारत की कहानी को तीन घंटे में फिल्म के रूप में दिखा दिया जाए, तो इतनी बड़ी कहानी को जो रामायण महाभारत है जिसको कितने सालों में घटित हुई ये कहानी, जो भी रामायण या महाभारत है, उसको ढाई तीन घंटे में किस प्रकार से आप लोगों तक दिखाओगे उसको, कोई कैसे उसको मतलब किस तरीके से उस कहानी को, उसकी लंबी कहानी को ढाई तीन घंटे में कैसे उसको मैनेज करेगा या फिर उसको कैसे स्टेप बाय, और दिखाना भी पूरी कहानी को है, पूरी कहानी को आप दिखाओगे तभी तो वो आपका मकसद पूरा हुआ। ये थोड़ी के उसको काट कूट के
दिखा दिया जाए, मान लीजिए आप श्री राम की कथा को हम ले लेते हैं बचपन से लेके एंड तक हम कहानी को लेते हैं, तो कितनी लंबी कहानी हो जाएगी, काफ़ी लंबी कहानी हो जाएगी, काफ़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी। अब उस स्टोरी को 2.5-3 घंटे के लिए लिखने के लिए उसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको किस प्रकार से एक सिक्वेंस में लगाकर उसको 2.5-3 घंटे में परिवर्तित किया जाए, इसका भी लेखक को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो कहानी लिखना इतना आसान नहीं है कि उसको एक कहानी लिखने से उसको पटकथा पे या पर्दे पर दिखाया जा सके, उसके लिए काफ़ी योजना बनानी पड़ती है। उसी के आधार पर उसको पर्दे पर दिखाया जाता है, उसकी एक समय निर्धारित किया जाता है, चाहे वो नाटक हो, फिल्म हो या टेलीफिल्म हो। अब टेलीफिल्म की बात करें तो टेलीफिल्म में भी आपको पता है 1.5-2 घंटे की टेलीफिल्म होती है, 1.5 या 2 घंटे की। उसमें भी आप किसी की भी कहानी पर टेलीफिल्म बन सकती है, किसी भी व्यक्ति विशेष घटना पर आधारित, लेकिन उसको भी 1.5-2 घंटे में कंप्लीट करना पड़ता है। जो एक समय निर्धारित किया जाता है उसको उसमें दिखाना पड़ता है, उसका भी एक जो फ्रेम बनाया जाता है उसको उसी में उसको किया जाता है। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए अगर आपके पास कोई फोटो फ्रेम है तो आप उसमें उसमें उसी फोटो को लगा सकते हैं जो उसमें फिट बैठे। अगर आप चाहो उसमें छोटी फोटो लगा दें तो वो भी उसमें फिट नहीं बैठेगी, अगर आप चाहो तो उसमें बड़ी फोटो लगा दें तो उस फ्रेम में वो फिट नहीं बैठेगी। इसी प्रकार से ये एक फ्रेम जो यहाँ पर लिया गया है वो एक समय को लिया गया है। इसमें आपको अगर आधे घंटे का समय दिया है कि आधे घंटे में आपने ये एपिसोड दिखाना है, तो आधे घंटे में उसका समय निर्धारित किया जाता है। आधे घंटे का मान लीजिए कोई स्टोरी आधे घंटे से ज़्यादा चल रही है और उसका समय खत्म हो गया है, और दूसरा एपिसोड मान लीजिए कोई नाटक है और उसका आधे घंटे का समय है और वो एपिसोड आधे घंटे से ज़्यादा का है, तो उसमें क्या होगा, एक तो उसका जो आकर्षण होगा वो कम हो जाएगा देखने दर्शकों के सामने, क्यों, क्योंकि अगला जो एपिसोड होगा वो उसके अनुसार जो बनाया दूसरा एपिसोड वो वहाँ से शुरू होगा, लेकिन जो एपिसोड आपका जो एक फ्रेम बनाया गया है एपिसोड के लिए, वो अगर फ्रेम समय कहानी लंबी है और समय कम है और उसको उसी समय में वहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है और आगे की कहानी को रोक दिया जाता है, तो उसमें वो आकर्षित नहीं बनेगा और लेखक का भी उसमें कोई देखने वालों की भी उसमें रुचि नहीं रहेगी। तो इसलिए जो एक फ्रेम निर्धारित किया जाता है, एक समय निर्धारित किया जाता है, उसी के आधार पर उसको उस समय में उस समय जो सीमा निर्धारित की गई है समय की, उसमें उसको पूरा किया जाता है। दूसरा कैमरे में जो हम स्क्रीन पर देखते हैं, जो हम पर्दे पर देखते हैं, वो हम कैमरे के माध्यम से देखते हैं। कैमरे के माध्यम से हम सारी चीज़ों को देखते हैं, घर में बैठे बैठे या स्क्रीन पर हम देखते हैं। रंग नाटक के बाद ही टीवी के पर्दे के फ्रेम में वास्तविक पात्र या स्थान नहीं होते, अपितु उनके छाया चित्र होते हैं। क्योंकि आप जब भी हम कोई भी सीरियल या नाटक देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उसमें हम खाली जो पात्र होते हैं उनके वो रियल में नहीं होते हैं, उनके छाया चित्र होते हैं। जिस प्रकार से हम हमारे हम जैसे किसी के फोटो होते हैं किसी के, उसी प्रकार से क्योंकि ये पहले से ही रिकॉर्डेड की जाती है और ये वास्तविक पात्र नहीं होते, खाली उनके जो छाया चित्र होते हैं उनको हम स्क्रीन पर या पर्दे पर देखते हैं। इसलिए जो वास्तविक जो पात्र होते हैं वो नहीं होते हैं और खाली जो उनके छाया चित्र होते हैं वही हमें स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। इसलिए छाया चित्र जो चित्रात्मक का बहुत पट कथा को होना ही होता है। तो जो जैसे कि हम जो छाया चित्र देखते हैं, क्योंकि ओरिजिनल वास्तविक पात्र तो होते नहीं है, खाली उनके छाया चित्र हम देखते हैं, तो इस प्रकार से जो हम पर्दे पर जो भी कहानी हम देख रहे हैं वो उन्हीं के अनुसार उनके जो जो उनका संवाद होते हैं, जो उनके भाव होते हैं, वही हमें पर्दे पर दिखाई देते हैं। पटकथा निर्माण में कैमरे के माध्यम से व्यक्ति या स्थान भिन्न-भिन्न सीन में अवतरित होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कैमरे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है पटकथा में, जो पर्दे पर जो हम कहानी देखते हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है कैमरे की। वो कैमरे के माध्यम से व्यक्ति या स्थान को भिन्न-भिन्न सीन में एकत्र किए जाते हैं।
मान लीजिए एक ही, अभी मैंने पीछे आपको बताया कि एक ही जगह किसी कैमरे को फिक्स कर दिया जाए और लेखक को कह दिया जाए कि सारे सीन को एक ही कैमरे से योजनाबद्ध रूप से तैयार करना, तो यह मुश्किल है। उसके लिए कई सारे कैमरों को अलग अलग पोजीशन में रखा जाता है और उसी के आधार पर उन कैमरों से उन सीनों को बनाया जाता और बाद में उनको एक दूसरे से स्टेप बाय स्टेप उसको लाइन बस्ते उसको लगाया जाता है, तब जाके उस कहानी का पूरा तैयार किया जाता है। क्योंकि एक कहानी है, उस कहानी में घर के अंदर के भी सीन होते हैं, बाहर के भी होते हैं, उसमें कई पात्रों का भी आना जाना होता है, तो उन सब पात्रों को इन सब घटनाओं को अलग अलग समय में इनको बनाया जाता है और उसके बाद इनको एक सीरियल से इनको लगाकर तब जाके वो अलग अलग जो सीन होते हैं उनको सिक्वेंस में लगाकर उनको पटकथा के रूप में लोगों तक पहुंचाया जाता है। काम के आधार भूमि पर काम करने के साथ साथ रूपरेखा पर कार्य किया जाता है। रूपरेखा मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे भी बताया कि हमें कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई भी काम करने के लिए कह दिया जाए तो जब तक आप उसको अपने एक उसकी एक रूपरेखा तैयार नहीं करोगे, जब तक उसके उनको तब तक आप उस पर कार्य नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको एक रूपरेखा उसकी बनानी पड़ेगी, तभी जाके आप उसको उस कार्य को पूरा कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको कोई मान लीजिए आपको कोई कहानी भी लिखने को कह दी जाए, तो उस कहानी को लिखने के लिए उसमें कौन कौन से पात्र हैं, उनमें कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, तो इस सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इस सब की जो जानकारी आपको होनी चाहिए, फिर दूसरा आपको उसके लिए सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। वो सामग्री आप कहाँ से इकट्ठी करोगे, आपको वो कहाँ से मिलेगी, आपको मिल भी जाएगी तो आप उसको कैसे एक दूसरे के साथ इस तरीके से जोड़ना मतलब किस प्रकार से एक दूसरे से जोड़े कि वो दिखने में या और सुनने में आकर्षित लगे। तो इस रूपरेखा को बनाने के लिए, जिसको सिनॉप्सिस भी बोलते हैं, उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है कोई भी कार्य को शुरू करने के लिए, और उसको एक दूसरे के साथ इस प्रकार से कड़ियों को जो अलग अलग कड़ियाँ होती है उनको आपस में मिलाकर उनको दृश्य के माध्यम से उसको दिखाया जाता है। विशेषता धारावाहिकों में कड़ी विवेचन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आप धारावाहिक देखते हो, सीरियल देखते हो, उसमें आपको अलग अलग कड़ियों में वो दिखाया जाता है। कई बार बहुत से नाटक ऐसे होते हैं जो एक ही कहानी पर आधारित होते हैं। कई नाटक ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग कहानियों को लेकर भी उस नाटक को आगे बढ़ाया जाता है। तो कुछ नाटक ऐसे जो नाटक में अलग अलग, मान लीजिए कोई भी कोई नाटक ऐसा है कि नाम तो उसका एक ही है लेकिन अंदर की जो कहानियाँ हैं वो अलग अलग हैं। तो कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कई एपिसोडों में चलती हैं, कोई कहानी ऐसी होती है कि वो एक ही एपिसोड में चलती है और उसमें ही खत्म हो जाती है। तो जो कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कई एपिसोड में बनी होती हैं, उनको किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, किस प्रकार से उन घटनाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए, किस प्रकार से उनको एक सीरियल में लगाया जाए, किस प्रकार से वो लोगों तक पहुँचाया जाए। क्योंकि अगर ये सब सीरियल में नहीं लगे होंगे तो वो भी आकर्षित नहीं होंगे और वो पटकथा जो भी बनाई गई है वो व्यर्थ ही जाएगी। पटकथा निर्माण में कड़ियों को प्रदत्त अवधि के अनुसार विभाजित किया जाता है। पटकथा निर्माण में मतलब आप कोई भी धारावाहिक देखते हो तो उस धारावाहिक का एक समय निर्धारित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में अगर 7 बार दिखाया जा रहा है, 7ों दिन दिखाया जा रहा है तो वो कोई दिन आधे घंटे, कोई 1.25 घंटे, कोई 1 घंटा या कोई 1.5 घंटा ऐसे नहीं दिखाया जाता। उसे एक समय निर्धारित किया जाता है, आधा घंटा या 1 घंटा। अगर वो हफ्ते में 7 बार दिखाया जाएगा तो वो उसी के अनुसार दिखाया जाएगा, अगर उसका टाइम निर्धारित किया गया आधा घंटा। अगर उसी नाटक का अगर टाइम निर्धारित किया गया 1 घंटा तो वो पूरे 7ों हफ्ते वो 1 घंटा ही दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार उन कड़ियों को, जो भी कड़ियाँ दिखाई जाती हैं उनको उसी समय के अनुसार उनको बनाया जाता है।
और अगर कोई सीरियल ऐसे है जो हफ्ते में 3 दिन ही दिखाया जाएगा, या फिर कोई सीरियल ऐसे कि हफ्ते में 2 दिन दिखाया जा रहा है सैटरडे संडे, या फिर कोई सीरियल ऐसे भी हो सकते हैं जो मंडे टू फ्राइडे दिखाए जा रहे हैं, तो ये सब का एक समय निर्धारित किया जाता है कि ये आधे घंटे का सीरियल है और उसे आधे घंटे में ही ख़त्म करना है। तो इसी उसी के आधार पर उसकी आधे घंटे का एक सीरियल बनाया जाता है और उस आधे घंटे में ही उसको ख़त्म किया जाता है, और ख़त्म करने के बाद भी उसको आधे घंटे का या 1 घंटे का उसको अगर 1 दिन में ख़त्म करना है तो उसका एंड करने पर भी, मतलब जो उसका समय निर्धारित किया गया है उसको ऐसे, जब उसका समय ख़त्म होने वाला है तो उसको ऐसे नहीं कि बीच में उसका समय ख़त्म हो गया तो उसको बंद कर दिया जाता है। उसका निर्माण भी उसी के आधार पर किया जाता है कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर जो चीज़ दर्शानी जानी है, जो चीज़ दिखानी जानी है दर्शकों को, वो उसमें दिखाई जा सके, बीच में कोई भी चीज़ ना छूटे, जिससे कि आने वाले आगे एपिसोड में लोगों में एक उत्सुकता बनी रहे कि पिछले एपिसोड में ये हुआ था और उसके बाद का पता नहीं चला, उसके आगे की कहानी शुरू हो गई। जहाँ पर कोई कहानी छोड़ी जाती है वहीं से वो अगली कहानी या अगले दिन का एपिसोड शुरू किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है कि जो भी कड़ी बनाई गई है उन कड़ियों को एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ा जाए, कहाँ पर पहली कड़ी ख़त्म हुई है और दूसरी कड़ी जो शुरू होनी है वो कहाँ से शुरू होनी है, जिससे कि उसमें कोई अधूरापन ना लगे। क्योंकि अगर कोई कहानी ऐसे ख़त्म होती है कि उसको पहले दिन में 1 घंटे की कहानी है और वो लिखी गई तो वो 1.5 घंटे की थी, लेकिन 1 घंटे वो 1 घंटे में उसको समाप्त कर दिया गया, और अगले दिन फिर वो 1 घंटे की कहानी एपिसोड है उसको शुरू किया गया और फिर वो आधे घंटे 1 घंटे में फिर ख़त्म कर दिया गया, लेकिन जो आधे घंटे की जो कहानी थी वो तो लोगों को पता ही नहीं चली तो उस आधे घंटे में क्या हुआ। तो इसलिए उसका जो समय निर्धारित किया जाना चाहिए था वो 1.5 घंटे किया जाना चाहिए था, और अगले दिन जो 1.5 घंटे के लिए शुरू होना चाहिए तभी वो कहानी समझ में आएगी, अन्यथा वो कहानी समझ में नहीं आएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका टीवी सीरियल 1 घंटे का है तो उस कहानी के जो कड़ी बनाई गई है वो भी 1 घंटे के अनुसार ही बनाई जाती है, उसमें काम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगली कहानी अगली कड़ी को जहाँ से शुरू होना है वो पहले वाली कड़ी जहाँ ख़त्म हुई है वहीं से वो अगली कड़ी शुरू की जाती है। तो इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें कि एक समय अवधि के अनुसार ही वो कड़ियों का निर्माण किया जाना चाहिए और उसी समय के अंदर ही उसका अंत भी होना चाहिए। सामान्यतः भारतीय दूरदर्शन में प्रथम बार 13 कड़ियों का विभाजन किया गया, जैसे कि आजकल आप देखते हो कि आजकल तो जो टीवी सीरियल है हजारों हजारों की संख्या में, मतलब उनकी कड़ियां बनाई गई हैं, मतलब कोई क्योंकि आम जनता की रुचि पर आधारित होता है कि कौन सा टीवी सीरियल लोगों को ज़्यादा पसंद है या किस प्रकार की फिल्में लोगों को ज़्यादा पसंद है। तो प्रथम बार पहली बार जब कोई सीरियल दूरदर्शन पर सीरियल दिखाया गया था उसके 12-13 कड़ियों का विभाजन किया गया था, मतलब 12-13 कड़ियों का तो उसमें दिखाया गया था। क्योंकि आजकल जो वैज्ञानिक युग है आजकल तो काफ़ी जो सीरियल है वो भी हजारों हजारों की संख्या में दिखाए जाते हैं, लेकिन जब काफ़ी समय दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी तो इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। जैसे कि आपको पता है आजकल जो कलरफुल हम देख रहे हैं कलर जो हमारे टीवी में सिनेमा में हम देखते हैं, पहले ये सुविधा भी नहीं थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे और उसमें कोई कलर नहीं थे। उससे पहले की भी अगर हम बात करें तो उसमें तो आवाज़ का भी माध्यम नहीं था कुछ, मतलब जो फिल्में या गाने बनते थे वो भी, जैसे कि आपको पता है सबसे पहले जो फिल्म बनी थी वो उसमें खाली देखने के लिए उद्देश्य से बनी थी, उसमें कोई आवाज़ नहीं थी, मुख फिल्म थी जो। अब जैसे जैसे समय बीतता चला गया, वैज्ञानिक हो गया, तरक्की आए दिन, मतलब नए नए जो खोज होती जा वो मतलब वैज्ञानिक हो गया, नए नए खोज होना स्वाभाविक है। तो जैसे पहले जब शुरुआत हुई थी उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे और वो कलर भी नहीं होते थे और उसमें आवाज़ भी नहीं थी। तो उस समय जो सबसे पहले जो भारतीय दूरदर्शन में पहली बार जो सीरियल कभी बना होगा उसमें 12 या 13 कड़ियों का ही वो सीरियल बना होगा, धारावाहिक बना था जो 12-13 सीरियल का ही था। लेकिन आजकल के समय में आप देखोगे कि हजारों हजारों की संख्या में
की कड़ियां इसमें आप देख सकते हो कि कितनी भागों में आजकल के ये जो सीरियल है वो बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि पहले की कड़ियां कम थी और आजकल जिसे हम दर्शकों की मांग भी कह सकते हैं कि जिसे दर्शकों की मांग या धारावाहिक की गुणवत्ता के आधार पर जो टीआरपी विश्लेषण पर आधारित होता है। टीआरपी का मतलब जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि कोई भी लेखक अपनी रुचि के अनुसार अगर कोई कहानी या फिर फिल्म या फिर टीवी सीरियल लिखता है और अगर लोगों को पसंद नहीं आता है तो वो उसका लिखना व्यर्थ होगा, क्योंकि खाली उसका काम लिखना नहीं है, उसको लोगों तक पहुंचाना भी है और लोगों तक पहुंचाकर वो उसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी कमाना चाहता है। अब जब धारा जो भी लेखक ने लिखा है अगर उसको आम जनता पसंद नहीं करेगी तो उसमें उसको मुनाफे की जगह नुकसान ही उठाना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये आती है कि वो कैसे पता लगाए कि आम जनता किसको ज़्यादा पसंद कर रही है, किस प्रकार आम जनता की जो रुचि है वो किस चीज़ में ज़्यादा है, आम जनता की जो मांग है वो क्या है, आम जनता किसको ज़्यादा पसंद कर रही है, इसका पता कैसे लगाया जाए। जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि अब जो भी लेखक है वो अगर हर घर 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 जाकर अगर यही पता करेगा कि भाई लोगों की रुचि किस में ज़्यादा है तो शायद ही कोई कहानी या फिर कोई भी धारावाहिक या पिक्चर फिल्म जो भी उसको बना पाएगा, क्योंकि सारे टाइम तो उसका यही पूछने में चला जाएगा कि भाई आम जनता को क्या पसंद है। कोई भी टीवी सीरियल चलता है या कोई भी मूवी चलती है, कोई भी नई मूवी आती है, कोई भी सीरियल आता है, उसका कैसा पता चलता है ये लोगों ने उसको कितना पसंद किया है, लोगों ने उसको पसंद किया है या नहीं किया। अब जैसे कोई फिल्म आती है उसमें कोई भी नई फिल्म आती है तो कैसे पता चलता है कि ये फिल्म ज़्यादा अच्छी है, कोई फिल्म आती है कोई फिल्म कम चलती है कोई काफ़ी टाइम तक चलती रहती है, लोग पसंद करते हैं तो वो चलती रहती है, तो इसका पता कैसे लगता है, टीआरपी से। एक प्रकार का डिवाइस होता है जो जो इनके सिस्टम में लगा होता है, उस डिवाइस के आधार पर पता चलती है कि लोगों की रुचि किस में ज़्यादा है। क्योंकि ये डिवाइस इस प्रकार का होता है कि ये सब चीज़ का रिकॉर्ड रखता है कि कौन सा टीवी सीरियल या कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। जो भी टीवी सीरियल या जो भी चैनल सबसे ज़्यादा शो करता है इनके डिवाइस पर, उससे पता लग जाता है कि कौन सी टीवी कोई भी कौन सा सीरियल या कौन सी फिल्म है जो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है। क्योंकि टीआरपी एक ऐसा डिवाइस है, मान लीजिए अगर आपके हमारे जो टीवी चैनल है इतने ज़्यादा चैनल हैं, अब हमें तो ये तो मतलब पूरी दुनिया की बात होगी, हम तो घर बैठे बैठे ये भी नहीं पता लगा सकते कि जगह हमारी गली में कौन कौन सा ज़्यादा चैनल देख रहा है, किसके घर में कौन सा चैनल ज़्यादा देखा जाता है, कोई न्यूज़ चैनल ज़्यादा देखता है, कोई टीवी सीरियल ज़्यादा देखता है, कोई धार्मिक चैनल ज़्यादा देखता है, कोई किसी की रुचि किसी में है, तो ये सब चीज़ का कैसे पता लगता है, टीआरपी के मतलब जो लोगों की जो डिमांड है, दर्शकों की जो डिमांड है वो टीआरपी से पता लगती है। टीआरपी से पता लगने के बाद ही जो लेखक होता है वो लोगों की रुचि से अवगत होता है, मतलब लोगों की रुचि टीआरपी जब टीआरपी से पता लग रहा है कि कौन सा चैनल किस समय चल रहा है। मान लीजिए अब कोई भी टीवी सीरियल, मान लीजिए आपका 8 बजे कोई भी टीवी सीरियल आ रहा है, अब वो कैसे पता लगेगा कितने लोग उसको देख रहे हैं, ये सब हम पता लगता है टीआरपी से। तो उसी के आधार पर जो लेखक होता है वो समझ जाता है कि लोगों की रुचि किस में है, लोगों की रुचि किस में है। दूसरा, क्योंकि मुनाफा कमाने के आधार मुनाफा कमाने के लिए ये लेखक जो पटकथा लिखी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए लिखी जाती हैं, तो इसी के आधार पर जो इनकी टीआरपी के आधार पर पता चलता है कि लोग किसको ज़्यादा पसंद करें, उसी के आधार पर इनके जो एपिसोड होते हैं उनकी कड़ियाँ बनाई जाती हैं, जिसको ज़्यादा पसंद किया जाता है उसकी ज़्यादा कड़ियाँ बनाई जाती हैं, और जो अगर लोग टीआरपी में अगर ये पता चलता है लोग अगर पसंद नहीं कर रहे हैं तो उसको एक लिमिट समय में ही ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है लेखक का, उसमें उसका समय भी खराब हो रहा है, उसका पैसा भी खराब हो रहा है, और मुनाफे की जगह उसको घाटा ही हो रहा है। तो ये सब टीआरपी से पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं।
टीआरपी विश्लेषण पर आधारित होता है और बढ़ाया जाता है सामान्यतः 13 का गुणा प्रयोग किया जाता है, यानी 13 26 यानी 26 39 52 तो इस प्रकार के जो एपिसोड है वो जो हम कड़ियां हैं वो बनाई जाती हैं। विश्व में ऐसे भी धारावाहिक प्रसारित किए गए जिनकी 500 से भी अधिक कड़ियां हैं। मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था कि बहुत से जो सीरियल हैं जो धारावाहिक हैं वो ऐसे भी हैं जो हजारों की संख्या में उनकी कड़ियां बन चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वो टीआरपी से पता चल जाता है कि लोग उसको कितना पसंद कर रहे हैं, तो लोग जितना पसंद करते हैं उतनी ही उनकी कड़ियां बनाई जाती हैं। तो उन्हीं कड़ियों के आधार पर उसको डिवाइड भी किया जाता है कि हफ्ते में वो कितने दिन दिखाना है, 4 दिन दिखाना है या फिर 5 दिन दिखाना है, 6 दिन दिखाना है या दिन में 1 बार दिखाना है, 2 बार दिखाना है, उसी प्रकार से उसका समय निर्धारित किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आधारित निर्भर करता है कि किस प्रकार का वो सीरियल है। सीरियल अगर ज़्यादा पसंद करेंगे, आम जनता अगर ज़्यादा पसंद करेगी किसी सीरियल को, तो उसमें उतने, जैसे कि आपको कोई भी सीरियल देखते हो उसमें बीच बीच में विज्ञापन आते हैं। लेखक नाटक लिखने जो भी धारावाहिक है, जो सीरियल हैं, जो एपिसोड हैं, उन्हें लिखकर तो मुनाफा कमाता ही कमाता है, साथ में उसको एक मुनाफा कराने का एक जो माध्यम है वो उन जो लोगों द्वारा पसंद किए जा रहे हैं जो नाटक या सीरियल, उनमें आने वाले जो आप देखते हो विज्ञापन होते हैं उनसे भी इनको मुनाफा प्राप्त होता है। जितने ज़्यादा अच्छे सीरियल होंगे, जितने लोग ज़्यादा सीरियल देखेंगे उतने ही ज़्यादा उसमें विज्ञापनों को भी देखा जाता है। विज्ञापनों को जो आप देखोगे विज्ञापन से भी, क्योंकि जिन जिन कंपनियों के विज्ञापन होते हैं वो भी उन सीरियल जो जो सीरियल चल रहे होते हैं, जो निर्माता होता है उसको उसका जो भी अर्निंग होती है वो उसमें देनी पड़ती है। मान लीजिए हम टीवी देखते हैं, टीवी में इतने ऐड आते हैं, इतने विज्ञापन आते हैं, कोई साबुन का है, कोई शैम्पू का है, कोई खाने पीने की चीज़ें, कोई किसी भी प्रकार का ऐड होता है, विज्ञापन होता है, उससे इन निर्माताओं को, धारावाहिक बनाने वालों को उससे उनको मुनाफा प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ की पब्लिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसकी बिक्री होगी, उतना ज़्यादा उसको मुनाफा होगा, और जितना ज़्यादा मुनाफा होगा उतना ही वो विज्ञापन कर जो अपने एपिसोड में जो अपने धारावाहिक में जो विज्ञापन दिखा रहा है उतना ही उसको मुनाफा होगा। तो इस प्रकार उसको टीवी सीरियल से तो उसकी कमाई हो ही रही है, साथ में विज्ञापनों से भी कमाई हो रही है, क्योंकि जितने अच्छे जितने ज़्यादा एपिसोड चलेंगे उतने ही ज़्यादा उसमें विज्ञापन होंगे और उतने ही ज़्यादा विज्ञापन करता जिनका जिन कंपनियों का विज्ञापन होगा उतना ही वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने का इनका जो महत्वपूर्ण जो आधार है लेखक का, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने का ही इनका मकसद है, जिसके आधार पर ये कड़ियों को भी घटा और बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि जो विज्ञापन होते हैं उनसे इनकी काफ़ी अच्छी कमाई होती है। और दूसरा आप देखोगे कि विज्ञापन जो हम टीवी पर देखते हैं, इतने सारे विज्ञापन होते हैं, उनमें भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है कि कोई भी विज्ञापन आप देख रहे हो, मोबाइल का, खाने पीने की चीज़ों का, साबुनों का, शैम्पू का, जो भी आप देखते हो उसको इस प्रकार से दिखाया जाता है कि लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों। क्योंकि खाली दिखाने मात्र से जो विज्ञापन है, खाली दिखाने से ही लोग आकर्षित नहीं होते, उनको दिखाने का भी एक तरीका, आप देखो कि बहुत से विज्ञापन ऐसे होते हैं जिसको देख के लगता है कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है। खाली आपको ये शैम्पू दिखा दिया जाए कि ये शैम्पू बहुत अच्छा है तो शायद आप उससे आकर्षित नहीं होंगे, लेकिन जब आपको देखते हो कि भी ये कोई तेल है बालों में लगाने का या फिर कोई शैम्पू है उससे बाल इतने अच्छे हो जाते हैं या फिर उसमें दिखाया गया है विज्ञापन में कि ये इतना अच्छा शैम्पू है, तो उसको क्या होगा कि लोगों में ज़्यादा उत्सुकता होगी उसको खरीदने की, और जितना वो बिकेगा उतना ज़्यादा ही विज्ञापन करता हुआ या कंपनी वाले को, जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है उसको उतनी ज़्यादा उसकी मुनाफा होगा जितनी ज़्यादा उसकी बिक्री होगी। तो जितनी ज़्यादा उसकी बिक्री होगी उसको उतना ज़्यादा मुनाफा होगा, और उससे उस मुनाफे में से उसको जो विज्ञापन पेश कर रहा है, जो जिस एपिसोड में जिस सीरियल में वो दिखाया जा रहा है उसको उसका मुनाफा देना पड़ता है। तो इस प्रकार जो भी लेखन की प्रक्रिया है, जो लेखक लिखता है उसको काफ़ी बातों पर ध्यान देना पड़ता है कि वो किस चीज़ को लिख रहा है या किस
लोगों की क्या रुचि है, किस रुचि के आधार पर उसको लिखना है, या फिर आगे चलकर वो लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी, क्या वो लोगों की रुचि के अनुसार लिख रहा है या नहीं लिख रहा, इन चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी पटकथा है वो लेखन पर ही पूरी तरीके से डिपेंड करती है कि लिखने वाला जो है वो किस प्रकार की कहानी लिख रहा है, लोगों की रुचि के अनुसार लिख रहा है या लोग उसे नहीं पसंद कर रहे हैं। तो ये जो एक जो ढांचा तैयार करना पड़ता है, जो सिनॉप्सिस तैयार करनी पड़ती है लेखक को, वो काफ़ी मुश्किल एक प्रक्रिया है, मुश्किल प्रक्रिया है, जो पूरी जो भी उसका मुनाफा कमाने की जो भी उसकी इच्छा है उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि उसको पहले उस पर एक सर्वे मतलब एक प्रकार का सर्वे ही हुआ है, जो लोगों की इच्छा को देख रहा है कि लोगों की क्या पसंद, क्या लोगों की क्या पसंद है या क्या ना पसंद है, तो लोगों को जो आम जनता को जो पसंद होता है वो उसी पर लिखना ज़्यादा सही माना जाता है, क्योंकि जो आम जनता की रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार उसकी जो कमाई है लेखक की, या जो पटकथा जो दिखा रहा है उसकी जो भी, वो सब आम जनता पर डिपेंड करती है। तो आम जनता जिसको ज़्यादा पसंद करती है, जिस चीज़ में आम जनता की रुचि होती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको मुनाफा होता है। इसके बाद हम देखेंगे टीवी लेखन में स्क्रीन प्ले या पटकथा लेखन सबसे महत्वपूर्ण है। टीवी लेखन में टीवी जो सीरियल हम देखते हैं उसके लिखना और उसको दिखाना, खाली कहानी लिखने से तो एक जो पटकथा है वो पूरी नहीं हो जाती। पटकथा मतलब पट पर दिखाने वाली कहानी जो पर्दे पर दिखाई जाती है, खाली स्क्रीन खाली लिखने की जो कहानी है टीवी पर जो दिखाना है उसको लिखने से ही वो कहानी पूरी नहीं बैठती, उसको पर्दे पे किस प्रकार से दिखाना है और कैसे दिखाना है, किस प्रकार से दिखाना है जिससे कि लोगों में उसको देखने की एक उत्सुकता बनी रहे, या किस प्रकार से कैमरे को फिट करना है, या कैमरे पर उसमें क्या रोल है, या कैमरा किस प्रकार से दिखाया जाना चाहिए, मतलब कैमरा को किस प्रकार से किस एंगल से दिखाना चाहिए, क्योंकि जो कैमरे का रोल है वो एक दिखाने के साथ साथ जो पात्र बोलना चाह रहा है उसको भी सुनाना भी उसको मतलब दोनों कार्य हैं जो एक कैमरे को करने पड़ते हैं, एक तो पात्र को दिखाना, दूसरा पात्र जो कहना चाह रहा है वो भी उसको दिखाना पड़ता है। तो कैमरा को किस प्रकार से किस एंगल से दिखाना चाहिए या कैमरे का उसमें क्या रोल है, ये तो अभी हमने पीछे बात की लेखन प्रक्रिया की कि किस प्रकार की लेखन लेखक को जो है किस प्रकार का विषय चुनना चाहिए, या फिर कैसे उसको दिखाना मतलब कहानी लिखनी चाहिए, या किस प्रकार का एपिसोड लिखने चाहिए, नाटक लिखने चाहिए या फिर फिल्म लिखनी चाहिए या फिर आपकी टेलीफिल्म हुई। और खाली कहानी लिखने भर से आपकी जो पटकथा है वो पूरी नहीं होती, पटकथा पूरी तरीके से कैमरे पर भी आधारित होती है, जिस तरीके से अभी हमने पीछे कहा कि लेखन की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहली प्रक्रिया है, एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो एक अपना विषय है, विषय के बाद उसको लिखना, लेकिन लिखना भी हमारा व्यर्थ है जब तक हम उसे दिखा नहीं सकते। अब उसको कैसे दिखाना है, कैमरे किस प्रकार से फिट करना है, या फिर कितने कैमरे होने चाहिए, या फिर क्योंकि कैमरा है, खाली कैमरा ही नहीं है, वो हमारा दृश्य और शब्द दोनों माध्यम है इसमें पटकथा में, क्योंकि एक कैमरा जो है वो आपको दिखाता भी है साथ में सुनाता भी है, क्योंकि पटकथा दृश्य और शब्द दोनों माध्यम है, इसलिए कैमरा को जो है वो कैसे फिट किया जाना चाहिए, या कैमरे का फ्रेम कैसा होना चाहिए, कैमरा कितनी देर के लिए किस सीन को बनाना चाहिए, मतलब कोई भी सीन कितनी देर का होना चाहिए, कब उस शॉट को मतलब कोई भी दृश्य अगर बना रहे हैं तो उसको बीच में कट करना चाहिए, उसको शॉट बोलना चाहिए, या फिर जो पात्र बोल रहा है उसको कैमरे को किस तरह होना चाहिए, मान लीजिए दो व्यक्ति अगर आपस में बात कर रहे हैं और कैमरा मान लीजिए कैमरा कहीं और उनका दृश्य दिखा रहा है तो उस समय क्या होगा, वो दृश्य आकर्षक नहीं लगेगा। अब मान लीजिए दो व्यक्ति जो आपस में बात कर रहे हैं, अगर एक ही व्यक्ति के ऊपर कैमरा रहेगा दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं रहेगा तो वो भी अटपटा लगेगा। तो इस स्थिति में क्या होता है, क्या एक ही कैमरे को इधर उधर इतनी जल्दी घुमा दिया जाता है, या फिर उसमें कितने कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है,
या फिर जो अलग अलग हम दृश्य देखते हैं, एक ही उसमें मान लीजिए एक सीरियल देख रहे हैं हम या आधे घंटे का, या फिर एक फिल्म हम देख रहे हैं, उस फिल्म में किसी भी व्यक्ति विशेष की पूरा जीवन उसमें दिखाया जा रहा है, तो उसमें हर प्रकार की घटनाएं हैं, उसमें किस प्रकार से कैमरा अपना रोल करता है, उस कैमरे का क्या रोल है उसमें, या कैमरा किस प्रकार का होना चाहिए, या कैमरा एक जगह ही रख के क्या उसके आगे सारी कहानी को पूरी जो पटका था कि जो स्टोरी है उसको बनाया जा सकता है, या फिर कहीं पे जैसे कि आप खुद भी देखते हो कि टीवी पे कई बार दिखाया जाता है कि कोई दृश्य चल रहा होता है तो उसमें कट बोला जाता है, उसको तो कहाँ कट करना है या कहाँ कितना दिखाना है, या फिर कोई भी चीज़ दिखाना, मान लीजिए कोई संगीत है या फिर कोई भी किसी चीज़ को और दिखाना, तो वो कैसे कैमरा उसको फोकस करेगा या किस प्रकार का कैमरा इस्तेमाल किया जाएगा, वो सब भी इसमें बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक कैमरा। पटकथा लेखन में पटकथा लेखक जिस कागज पर लिखता है, मान लीजिए आपको कहा जाए कि आपने कोई कहानी लिखनी है और लेकिन उस कहानी को पर्दे पर भी दिखाना है, तो ये कार्य किसका है, जो पटकथा लिखने वाला है, जो लेखक होता है उसको उस कहानी के अनुसार उस दृश्य को दर्शकों को दिखाना होता है। तो जब भी कोई लेखक कोई कहानी लिखता है वो एक कागज पे दो प्रकार जो भी जिस पेपर पे वो लिखता है उसको दो भागों में विभाजित कर लेता है, जैसे हम बीच में लाइन डाल लेते हैं पेपर में, उस प्रकार से वो उसको दो भागों में बांट लेता है। उसमें बांटने के बाद उसमें मान लीजिए कोई कहानी है कोई सीरियल है और उसमें किस प्रकार से उसमें लिखना है, मतलब लोगों को दिखाना है किस प्रकार से, किस प्रकार का वो सीन है, दुख का सीन है या कोई खुशी का माहौल है, कोई मनोरंजन का वो है, तो उसको कैसे दिखाना पड़ेगा, और क्योंकि कैमरा है, कैमरा वाला तो खाली अपना वो तो खाली कैमरे में उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन उसमें किस प्रकार से कौन सी चीज़ को कब लेना है, वो सब भी एक लेखक को उस कागज़ पर लिखना पड़ता है, उस पर पूरी उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पटकथा लेखन में पटकथा लेखक जिस कागज पर लिखता है उसको दो भागों में विभाजित कर लेता है, बाएं भाग में वीडियो पर यानी कैमरे के कोण के विषय में लिखता है, मतलब जो बाएं हाथ को कहेंगे आप लेफ्ट हैंड की साइड उसका होता है कि वीडियो जो कैमरा है उसको उस समय क्या दिखाना है, दाएं भाग में ऑडियो अर्थात जो सुनाई दिया जाएगा, एक तरफ तो मान लीजिए आपको कोई जो चीज दिखानी है कैमरे को वो बाईं तरफ लिखी जाएगी और जो सुनानी है वो दाईं तरफ लिखी जाएगी, मतलब कैमरे उसको उस समय जो कैमरे वाला है उसको किसी से पूछने की उस समय आवश्यकता नहीं है कि उसको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, क्योंकि ये सब लेखक पहले से ही एक योजना बना लेता है, उस योजना को अपने पेपर पर उतार लेता है कि उस एक ही समय में उसको क्या दिखाना है और क्या सुनाना है, तो ये सब चीज़ कैमरे वाले को पता होती है, कैमरे वाले के पास एक इसकी कॉपी होती है कि इस समय में अगर इस समय में ये चीज़ दिखानी है तो ऑडियो भी उसी प्रकार से उसकी चलाई जाएगी। दूसरा कुछ लेखक इसमें एक तीसरा भी कॉलम बना लेते हैं जिसमें कि वह संगीत या अन्य कुछ विशेष संकेत भी देते हैं, संकेत मतलब कुछ ऐसे इशारे या फिर कुछ संकेत लिखा हुए होते हैं जो तीसरे कॉलम में लिखे जाते हैं, हालांकि जो अधिकतर लेखक होते हैं वो खाली दो ही भागों में विभाजित करते हैं, एक तो जो उस समय के डायलॉग होते हैं वो और दूसरा जो सुनाना हो, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति के ऊपर कोई डायलॉग किसी व्यक्ति ने कोई डायलॉग बोलने हैं तो वो जो कैमरे वाला है वो उस व्यक्ति को उस व्यक्ति की तरफ ही वो कैमरा रहेगा, दूसरा जो डायलॉग है वो उस समय उसी डायलॉग को सुनाया भी जाएगा, तो इस प्रकार से जो कैमरामैन होता है उसके पास जो लेखक होता है, लेखक अपनी कहानी को दो भागों में बांट देता है जिसमें कि वो बिल्कुल क्लियर लिख देता है कि जिस समय जो जो दृश्य दिखाना है उसी प्रकार का उसमें जो सुनाने वाली चीज़ होगी वो उस समय वैसी ही चीज़ को सुनाया जाएगा। कागज़ को यदि तीन भागों में विभाजित न करना हो तब निरंतरता में भी लिखा जा सकता है, अगर कोई लेखक चाहे तो उसे तीन भागों में विभाजित नहीं करना चाहता तो ये डिपेंड करता है लेखक के ऊपर, उसको वो कंटिन्यू भी
लिख सकता है, अगर तीन भागों में या दो भागों में विभाजित नहीं करना चाहता तो वो उसको कंटिन्यू लिख सकता है, निरंतरता में भी लिख सकता है। और इस विधि में वीडियो लेखन, दृश्य लेखन के बाद संवाद आदि ऑडियो और इसी प्रकार उसके पश्चात वीडियो पक्ष लिखे जाते हैं। तो इस विधि में भी, इस विधि के अनुसार भी उसमें दृश्य और संवाद जो भी पात्र होते हैं वो सब बाद में दिखाए जाते हैं और उसका वीडियो बनाया जाता है। अभी आगे मैं इसमें आपको उदाहरण दिखाऊंगी। ये जैसे कि कोई भी जो लेखक है उसमें जो अपने कागज पर जो दो या तीन भागों में उसको विभाजित कर लेते हैं और उसमें हर एक चीज को उसमें दिखाना पड़ता है कि इस दृश्य के साथ क्या सुनाना है या फिर कितने पात्र दिखाने हैं, उन सबका वो उसमें अंकित करता है कि कितने शॉट दिखाने हैं या क्या कितनी देर का शॉट है वो, या फिर किस प्रकार का उसमें जो संगीत है वो सुनाना है या किस प्रकार की साउंड है वो सुनानी है, वो सब उसमें पहले से ही लिख देता है लेखक कि किस समय क्या दिखाना और क्या सुनाना है। दूसरा, दोनों पद्धतियों के उदाहरण में एक पूर्व एक तथ्य की ओर दिलाना आवश्यक, क्योंकि लेखन सर्वप्रथम लेखन आरंभ से पूर्व दृश्य अंकित करते हुए दृश्य का परिचय और उसके निर्देश या संकेत भी पटकथा में लेखक को दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि पटकथा लेखन में पहले क्या होता, पहले लेखन के आरंभ में उसको दृश्य भी दिखाने होते हैं, साथ में उसका कोई भी अगर व्यक्ति को दिखाया जा रहा है तो उसमें उसका परिचय भी कराया जाता है कि वो व्यक्ति विशेष कौन है या वो व्यक्ति कौन है। दूसरा, उसके जो पात्र हैं उनको भी दिखाना होता है, उस पात्र का जो परिचय भी दिखाना होता है, और दूसरा उसमें किस किस प्रकार के उसमें शॉट देने हैं, घर के हैं, बाहर हैं, या फिर कितने पात्रों को उसमें एक ही समय में दिखाना है, या उसको कितने समय के लिए दिखाना है, या फिर उसको जो सीन है उस समय का वो अंदर का है या बाहर का है या कितने समय का, ये सब आदि उसमें सब दिखाना पड़ता है। तो ये सब लेखक के ऊपर आधारित है, लेखक के ऊपर डिपेंड है कि वो किस प्रकार से इन सब चीज़ों को मैनेज करता है और किस प्रकार से उसको, क्योंकि सब लेखन प्रक्रिया पर आधारित है, क्योंकि अगर जब तक लेखक उसको सही रूप से एक सही रूप से उसको योजनाबद्ध रूप से नहीं लिखेगा तो उसमें आगे उसको सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो इन सब जो कैमरे की भी जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो कैमरे का जो कार्य है वो भी डिपेंड करता है, वो भी लेखक के ऊपर आधारित है कि लेखक उसको सब संकेत उस पर पेपर पर लिखता है, तब जाके वो जो कैमरा मैन है उसको वो उस तरीके से अपने कैमरे में उसको कैद करता है। पटकथा लेखक में एक निर्देशक भी होता है, निर्देशक मतलब जो आपको गाइड करने वाला, जो आपको बताता है कि भाई इस चीज को ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। तो क्योंकि किसी के देखरेख में कोई कार्य आसानी से हो सकता है, खाली लिखने से ही ये कहानी जो है पटकथा पर दिखाने लायक के लिए तैयार नहीं होती है, उसको एक निर्देश करने वाला भी होता है, उसको एक गाइड करने वाला भी होता है, बताने वाला होता है कि भाई ये चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, तभी जाके वो एक सही रूप में अच्छी आकर्षित पटकथा बन पाती है। तो इसमें एक उदाहरण दिया गया है हिंदी सिनेमा में गुलजार जो एक निर्देशक हैं, तो उनको एक अच्छा उदाहरण है उनका कि उन्होंने जो सिनेमा में जो कार्य किया है निर्देशक का, वो काफ़ी इसमें उनको जो उनकी अच्छे से उनकी जो कार्य किया गया है उसमें गुलजार का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दूसरा, बंगला सिनेमा में, बंगला भाषा में जो भी सिनेमा है, फिल्में हैं, उसमें सत्यजीत राय का नाम उल्लेखनीय है, जो एक अच्छे निर्देशक में उनको जाना जाता है। पटकथा लेखन की दोनों पद्धतियां, जैसे अभी हमने बात की थी ऊपर के दो, के जो भी लेखक होता है अपने कहानी को दो भागों में बांट लेता है, पेपर पे जो अपनी स्टोरी लिखते हैं उसको वो दो भागों में बांट लेता है, जिससे कि कैमरामैन को पता ना, मतलब कोई कठिनाई ना हो कि कब क्या दिखाना है और क्या सुनाना है। तो ये सब पहले से ही सब लिख दिया जाता है, जिससे कि कैमरामैन पे या बाकी अन्य लोगों को जो भी उसमें अपना अपना योगदान दे रहे हैं, जो उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि खाली लेखक और कैमरामैन से ही कोई भी पटकथा पूरी तैयार नहीं होती, उसमें पात्र भी होते हैं और सहायक पात्र भी होते हैं और भी बहुत से लोग होते हैं जो उसमें जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से जो पटकथा लेखक है वो इस प्रकार से अपनी कहानी लिखता है,
पेपर को दो भागों में बांट लेता है, जैसे कि इसमें आप देख रहे हो विभाजन की पद्धति। उसने लेखक ने हर एक कार्य को अलग अलग भागों में विभाजित किया हुआ है। पात्र को उसके जो डायलॉग्स बोलने वो उसको बता दिए जाते हैं। ऑडियो वाले को जो जो कैमरामैन वाला है वो उसको उसी प्रकार से उस चीज़ को दिखाना पड़ता है। और दूसरा जो उस समय स्वर जो उस समय जैसे कि आपको पता है आप कोई भी सीरियल देख रहे होते हैं तो पीछे से एक बैकग्राउंड में एक स्वर सुनाई देता है, एक आवाज़ आती है धीमी आवाज़। मान लीजिए कोई खुशी का कोई दृश्य है या फिर कोई दुख की कोई घटना है तो उसी प्रकार से बैकग्राउंड में एक साउंड सुनाई देती है। वो सब भी उसमें सब लेखक ने दर्शाई जाती है लेखक के द्वारा कि किस प्रकार का उस समय ऑडियो दिखाना चाहिए। तो इसमें लेखक ने विभाजित किया हुआ है दृश्य, 5 शॉट हैं, 2 पात्र हैं और एक स्त्री है, एक पुरुष है और रात का समय है और भीतर मतलब कमरे के अंदर का समय है। ये एक शॉट है, 5 शॉट बनाने हैं इसमें। लेखक ने इसमें पूरा दिखाया गया है कि कौन कौन से इसमें पात्र होने हैं और कहाँ का सीन है। इसमें कैमरामैन को ज़्यादा मतलब उसको क्लियर कट है कि वो उसमें उसको क्या करना है। तो 5 शॉट लेने और 2 पात्र हैं खाली, एक स्त्री और एक पुरुष। रात का समय है, कमरे के अंदर का ही उसे वीडियो बनाना है। वीडियो में जो उसको दिखाना है सीन ओपन होते ही फ्रेम में लॉन्ग शूट से जूम होकर एक पुरुष का चेहरा दिखाई देता है और आंखों में उदासी और दर्द है। जैसे ही कैमरा शुरू होता है, कैमरे से जैसे ही शुरुआत होती है तो एक आदमी को उसमें दिखाया जाता है दूर, जैसे कि आप देखते हो कि अक्सर दिखाया जाता है कि दूर से किसी कोई भी व्यक्ति है उसको पहले दूर से लिया जाता है और धीरे धीरे क्योंकि दूर से समझ में नहीं आता वो कौन है या फिर वो किस मुद्रा में बैठा है या फिर वो मतलब क्या कर रहा है। तो इसमें एक जो कैमरे का फ्रेम रखा गया है वो दूर से लेते हुए उसको पास में ले जाते हुए बताया गया है क्योंकि ये जो सीन ओपन होती है फ्रेम में लॉन्ग शूट से जूम होकर एक पुरुष का चेहरा दिखाई देता है, आंखों में उदासी है। अब जब दूर से उसके कैमरे वाले ने दूर से उस व्यक्ति को लिया हुआ है कैमरे में तो दूर से तो उसका पता नहीं आंखों में मतलब वो जैसे कि आप देख रहे हो आंखों में उदासी और दर्द है, दूर से उसकी आंखों में उदासी और दर्द दिखाई नहीं देगा। तो उसको दिखाने के लिए कैमरामैन को क्या करना पड़ेगा, उसके करीब जाना पड़ेगा। तो यहाँ लेखक ने स्पष्ट लिखा है कि दूर से जो सीन है वो शुरू करना है और धीरे धीरे उसके जो आदमी है उसकी आंखों तक मतलब उसके बिल्कुल करीब जाके उसको चेहरा दिखाना है कि वो कितना दुख में है और उसकी आंखों में उदासी भी है और वो कितना दुखी है। अब ये तो हो गया सीन की बात जो दर्शक को दिखाना है। अब खाली दिखाने से ही आकर्षक लगेगा वो सीन, आपको पता है कि बैकग्राउंड में जो स्वर सुनाई देता है वो भी उसी प्रकार का होगा तभी वो आकर्षित दिखाई देगा या सुनाई देगा। अब ऑडियो वाला उसी समय क्या शहनाई का बास होने वाले स्वर का धीमी आवाज में बजना। अब शहनाई का जो उसमें स्वर दिखाई दे रहा है मतलब जो स्वर सुनाई दे रहा है वो धीमी आवाज में बज रहा है, धीमी आवाज में स्वर भी बज रहा है, उधर से उस पुरुष का चेहरा दिखाया जा रहा है, उसकी आंखें दिखाई जा रहे हैं और उसकी उदासी दिखाई जा रही है। सपोज करो यहाँ पे किसी व्यक्ति का चेहरा दिखाया जा रहा है, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, और वो दुखी है और पीछे से आपको अगर ऑडियो की आवाज ऐसी आती है कि उसमें कोई भी उत्साहित होने वाला कोई गाना है या फिर कोई मनोरंजन का कोई गाना है तो उस स्थिति में क्या होगा, ये जो भी सीन दिखाना चाह रहा है लेखक वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसलिए जब तक इस चीज से इस जो हम देख रहे हैं उससे अगर दृश्य माध्यम का अगर श्रवण से अगर मैच नहीं होगा तो वो जो कहानी है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। अब यहाँ पर लेखक ने स्पष्ट कहा है कि इतना दिखाने के बाद उस सीन को कट हो जाता है, ये छोटा सा सीन दिखाना है उसके बाद मतलब ये नहीं कि जो कैमरा मैन है उसको कंटिन्यू दिखाया जा रहा है और उसको पता नहीं है कि कहाँ पर कट होना है। यहाँ पर उसने कट लिख दिया कि आपने उसकी आंखों में उदासी दिखानी है, उसका दर्द दिखाना है और जो बैकग्राउंड में जो सुनाई दे रहा है, जो म्यूजिक सुनाई दे रहा है वो उदासी वाला है, उसके बाद उसको कट कर देना है। यहाँ पर वो सीन खत्म हो गया। यहाँ कैमरामैन को क्या सहायता मिली उसको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी
कि कितनी देर के लिए दिखाना है या फिर कौन सा स्वर उसमें सुनाई देना चाहिए, ये सब लेखक ने बिल्कुल क्लियर लिख दिया। दूसरा, एक स्वेटर बुनती स्त्री जिसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। एक स्त्री जो स्वेटर बुन रही है लेकिन उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। अब आंसू टपक रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति, अगर आम जनता ऐसी चीज देखेगी कि एक औरत स्वेटर बुन रही है बैठी और आंखों से आंसू टपक रहे हैं, अब किसी को क्या पता लगेगी वो क्यों रो रही है या वो स्वेटर बुन रही है क्यों बुन रही है या वो क्या मकसद है उसका जो स्वेटर बुनती बुनती वो रो रही है। तो इस सीन को दिखाने के लिए भी कैमरामैन को ये सब पहले से ही स्पष्ट पता लिख के दे दिया गया है कि शहनाई का वही स्वर जो भी ऊपर सुनाई दे रहा था यहाँ पे, शहनाई का वही स्वर, शहनाई के स्वर का मंदा होना, शांति, किसके लिए स्वेटर, क्या क्या सपने बुने थे, इसी के साथ वे चला गया, हमें चल गया बरसों की रोने का स्वर। अब इसमें जो स्वेटर बुनती स्त्री है वो खाली अगर यही सीन दिखाता रहेगा कैमरामैन तो उससे कुछ पता नहीं चलेगा कि वो स्त्री क्यों बुन रही, किसके लिए स्वेटर बुन रही है या वो क्यों रो रही है, उसके आंसू क्यों टपक रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्वर सुनाई दे रहा है शहनाई का स्वर, वो धीरे धीरे मंदा होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है धीरे धीरे, और उसके बाद क्या होता है, बिल्कुल शांति हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो स्त्री स्वेटर बुन रही है वो किसके लिए बुन रही है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए वो स्वेटर बुन रही है जो उसका अपना था, जो उसका कुछ खास था, जिसके लिए उसने कुछ सपने बुने थे, जिसके लिए वो आज स्वेटर बुन रही है, क्या वो कहीं चला गया है? क्योंकि अगर कोई भी हम किसी के लिए कोई काम करते हैं वो हमारे घर में ही, तो हमें दुख थोड़ी महसूस होता है, दुख हमें किसके लिए होता है, जो हमें छोड़ के चला गया। तो यहाँ पर उसी प्रकार का स्वर दिखाई दे रहा है और उस स्वर में पता चल रहा है कि कोई खास व्यक्ति कोई भी हो सकता है जो उसको छोड़ के चला गया है, लेकिन वो फिर भी उसकी याद में बैठी हुई उसके लिए सब स्वेटर बुन रही है, जो कभी उसने अपने सपने में बुने थे कि भाई मैं, मान लीजिए उसका कोई बच्चा भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, कोई भी खास हो सकता है, जिसके लिए उसने कभी सपने बुने थे कि मैं उसको स्वेटर बना बना के अपने हाथों से स्वेटर बुनूंगी, उसको स्वेटर बनाऊंगी, और वो उसको छोड़कर चला गया, और आज का नहीं गया, काफी पहले से वो चला गया है और उसके लिए वो आज यहाँ बैठी हुई स्वेटर बुनती बुनती उसको याद कर रही है। तो इस प्रकार का जो स्वर है वो उसमें सुनाई दे रहा है और वो स्त्री उसी अपने दुख में डूबी हुई है और उसको याद कर रही है, और उसी प्रकार का जो स्वर है वो कैमरामैन उसी प्रकार के स्वर को उसमें सुना रहा है। तो ये जो दोनों चीजें ही आपस में अगर मेल नहीं खाएंगी, मैच नहीं खाएंगी दोनों, तो ये डायलॉग बिल्कुल बेकार हो जाएगा, दृश्य भी और श्रव्य भी। उसके बाद स्त्री रोने लगती है। अब यहाँ पे रोने का स्वर आता है, अगर मान लीजिए यहाँ स्त्री रोने लग रही है, यहाँ रोना शुरू कर दिया है स्त्री ने, और अगर जो स्वर है वो अगर रोने का नहीं सुनाया जाएगा तो वो सीन भी बेकार लगेगा, आकर्षित नहीं लगेगा। दूसरी है निरंतर पद्धति। दृश्य, पांच शॉट, दो पात्र, एक स्त्री, एक पुरुष, रात्रि और भीतर, वही चीज है, लेकिन सीन ओपन होते हुए फ्रेम में लॉन्ग शूट से जूम शूट होकर एक पुरुष का चेहरा दिखाई देता है, आंखों में उदासी और दर्द है। पार्श्व में शहनाई का, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लेखक है उसने दो भागों में, उसने अपने जो जिस पेपर को वो लिखता है उसको दो भागों में बांट दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दूसरी पद्धति के अनुसार उसने उसी डायलॉग को, उसी सीन को उसने कंटिन्यूएशन में लिख दिया है, उसने दो भागों में ना बांट करके यहाँ तक उसने सीन ओपन होते ही जो पुरुष का चेहरा दूर से लेके लॉन्ग शूट से लेके जूम करते करते उसका चेहरा दिखाई दिया, उसकी आंखों में जो उदासी और दर्द है उसको कैमरामैन ने दिखा दिया। दूसरा, उसके साथ जो कैमरामैन को दिखाना था, जो स्वर सुनाना था, वो लेखक ने यहाँ नीचे लिख दिया। उसके बाद वो कट, जो वो डायलॉग था उसको उन्होंने यहाँ कट कर दिया, यही डायलॉग। अब दूसरा डायलॉग उस स्त्री का जो पर लेखक ने अभी दो भागों में विभाजित करके दिया था, यहाँ पर निरंतर पद्धति में उसने दिखाई दे दिया, एक स्वेटर बुनती स्त्री जिसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, और आगे उसके लिख दिया ब्रैकेट में पार्श्व में सेनाई का वही स्वर जो धीरे धीरे मंदा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इस जो स्त्री है वो
बात वही है जो ऊपर लेखक में जो लिखा है वो यहाँ लिखा है, लेकिन ऊपर वाले पेपर में उसने दो भागों को भागों में बांट दिया है अपने कहानी को, अपने जो भी कहानी है उसकी और जो संवाद है और जो दृश्य है और जो स्वर उसमें सुनाई देने चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसने कंटिन्यूशन में निरंतर में लिख दिया है। शांति का कथन है, मतलब धीरे बिल्कुल शांत उस समय का समय है। किसके लिए बुन रही हूँ ये स्वेटर, क्या क्या सपने बुने थे, इसी के साथ वह चला गया बरसों की। अब स्त्री स्वेटर बुन रही है लेकिन किसके लिए बुन रही है, जिसके लिए बुन रही है वो तो है ही नहीं यहाँ पर, वो तो कब का जा चुका है। और उसने क्या क्या सपने बुने थे अपने इस जिसके लिए वो सपने जिसके लिए वो स्वेटर बुन रही है, और इसका वो आज दुख मना रही है, उसको दुख हो रहा है और वो रोने लगती है। यहाँ पर लेखक ने क्या कहा कि बस इतना दिखाने के बाद वो सीन जो है वो कट टू, मतलब वो सीन वहाँ पर समाप्त हो गया। पट कथा के इस अंश में एक शब्द आया कट टू, ये शब्द अंग्रेजी का है। कट टू ये संकेत है कैमरा के लिए, जो दृश्य चल रहा है कैमरा उसे हटकर या कट होकर अब इस नए दृश्य या शॉट को फिल्माएगा। कट टू का मतलब जैसे कि आपको बताया यहाँ पे कि उसने सपने बुने थे, इसी के साथ वह चला गया और वो रोने लगती है। इतना दृश्य दिखाने के बाद लेखक ने उसको कट बोल दिया, मतलब यहाँ पे इस सीन को कट कर दो, ये सीन यहाँ पर पूरा हो गया। क्योंकि जब तक कितने समय तक के लिए ये सीन को दिखाना है, क्योंकि वो स्त्री रोने लगती है, अब ज़्यादा लंबा उसको खींचेगा उस स्त्री को तो वो ज़्यादा ही अटपटा लगेगा। तो कितने समय तक के लिए उसको उस स्त्री को दिखाना है, वो तो वे को कितने देर के लिए उस सीन को दिखाना है और कितने देर बाद उसको उस सीन को कट करना है, ये सब लेखक उसमें पहले से ही मेंशन कर देता है। और उस सीन को जो कैमरा मैन होता है, क्योंकि दिखाने का जो पूरा जो कार्य है वो कैमरा मैन को ही है, तो इसलिए कैमरा मैन उसको उसी समय जहाँ तक उसको आदेश होते हैं कि वो इसके बाद उसको कट करना है तो उसको कट कर देता है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो कट टू शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द है, और इस शब्द के बाद वो कैमरामैन होता है दृश्य को वहीं पे कट कर देता है और अगले सीन के लिए वो तैयार हो जाता है, अगले शॉट लेने के लिए वो तैयार हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर वो रोते ही स्त्री का जो सीन है उसको ख़त्म करके वो दूसरा सीन जो शुरू करना है उसको शुरू कर देता है। तो ये है तो था हमारा एक पटकथा लेखन की प्रक्रिया की, जो लिखने की प्रक्रिया है या लेखक का उसमें क्या योगदान है, दूसरा कैमरे का उसमें क्या योगदान है वो हमने इसमें देखा। कुछ आपको समझ में ना आया हो तो आप मैसेज के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे पटकथा का स्वरूप, पटकथा की अनिवार्यता, कैमरा का कौन। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने भी बात की थी कैमरा के किस प्रकार से कैमरा दिखा भी रहा है और उस समय का जो पार्श्व जो सुनाई देने वाला जो साउंड है वो भी दिखा रहा है, लेकिन कैमरा का कोण क्या होना चाहिए, कैमरा किस प्रकार से। तो आप जब टीवी देखते हैं तो उसमें आप देखते हो कि कितने प्रकार के उसमें सीन आते हैं, उन सीनों को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, उन सीनों को कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए कैमरा कैसे लगाया जा रहा है, किस कोण पर कैमरे को फिट किया जाए, या फिर कोई कैमरा किस प्रकार से मूव होता है, या फिर एक ही जगह खड़े हो के सारा जो कार्य होता है वो एक ही जगह हो जाता है, तो उन सब का जो हम बात करेंगे वो कैमरे के कौन किस प्रकार के कैमरे होते हैं, या कैमरा का लेंस किस प्रकार से होता है, या कैमरा का लेंस किस प्रकार से कार्य करता है, इस पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे कि कैमरे की क्या भूमिका है या कैमरा किस प्रकार से कार्य करता है। ऊपर तो अभी हमने खाली कैमरे का कार्य देखा कि कैमरा किस प्रकार से करता है, लेकिन कैमरे को हम किस प्रकार से अलग अलग कोणों से इस्तेमाल कर सकते हैं, या कैमरा कितने प्रकार से उसको एक ही जो एक सीरियल है या फिल्म है कितने कैमरे उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, कैमरे को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, कैमरे का कोण कैसा होता है, या कैमरे का जो लेंस होता है वो किस प्रकार का होता है, या कैमरे से कैसे जूम इन या जूम आउट किया जाता है, किस प्रकार से अंधेरे से रोशनी में और रोशनी से अंधेरे में जो सीन होता है उसको करा जाता है, उस पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मैसेज के माध्यम से भी आप उसको पूछ सकते हैं, आपके स्क्रीन पे एक मैसेज बॉक्स है, आप उसमें भी मैसेज कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में यही समाप्त करती हूँ, अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होगी, तो
मैंने आपको किताब का बता ही दिया, ये किताब आप SOL की साइट पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ आगे की जो हमारा टॉपिक है उस पर आप पढ़ के आएंगे और जो भी आपको समझ में नहीं आया आप उसमें मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। तो आज की कक्षा में यही समाप्त करती हूँ, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ।